Hello everyone, welcome to the course on data structures and algorithms in C++. I am Sanket Singh और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं स्टैक्स डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। स्टैक्स एक बहुत ही फंडामेंटल और एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, राइट। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग स्टैक बिल्ड कर रहे होंगे कि कैसे आप खुद से एक स्टैक बना सकते हो, साथ ही साथ हम लोग बात कर रहे होंगे कि कैसे आप C++ की इंटरनल इनबिल्ट स्टैक यूज कर सकते हो, राइट। स्टैक्स के ऊपर कुछ कूल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, काफी मजा आने वाला है, काफी कोडिंग इंप्लीमेंटेशन होगी, तो लंबा लेक्चर लेने वाला है, लेकिन आई वुड हाईली रेकमेंड यू गाइस टू वॉच द लेक्चर टिल द एंड, ताकि एट द एंड आपको स्टैक का जो इंटरनल कॉन्सेप्ट है कि सोचना कैसे एक स्टैक की प्रॉब्लम के लिए या फिर कैसे स्टैक एक्चुअली बनता है, उसका क्या थ्योरी एग्जिस्ट करती है बिहाइंड द सीन्स, ये चीज क्लियर हो जाए। दैट बीइंग सेड, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स जस्ट स्टार्ट एंड लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट व्हाट वी आर गोइंग टू एक्चुअली कवर इन दिस होल लेक्चर। तो देखो, लास्ट कुछ लेक्चर्स में आपने ऑलरेडी लिंक लिस्ट के बारे में काफी सारी चीजें पढ़ ली होंगी। लिंक लिस्ट एक और हमारा डेटा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। तो अगर अभी तक मैं देखूं कि कितने डेटा स्ट्रक्चर्स आप लोगों ने पढ़ लिए हैं, तो आप लोगों ने एरेज पढ़ लिया है, आपने लिंक लिस्ट पढ़ लिया है, राइट। अब आई गेस 2D एरेज भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग स्टैक्स के ऊपर बात करने वाले, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि स्टैक्स होता क्या है, स्टैक्स के ऊपर कुछ ऑपरेशन देखेंगे कि व्हाट आर द सम ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑपरेशन दैट यू कैन डू ऑन स्टैक्स, ठीक है। स्टैक्स की STL देखेंगे, मतलब इंटरनल इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक्स क्या है, कैसे चलती है, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ओवरफ्लो कंडीशन और अंडरफ्लो कंडीशन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे कैसे आप उस चीज को हैंडल कर सकते हो। हम लोग स्टैक की एरे बेस्ड इंप्लीमेंटेशन देखेंगे और लिंक लिस्ट बेस्ड इंप्लीमेंटेशन देखेंगे, ठीक है, और दोनों के इंप्लीमेंटेशन को कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो चलो बात करते हैं कि स्टैक्स होती क्या, ठीक है। बहुत ही आसान भाषा में बात करने की कोशिश करते हैं। यहां तो देखो कुछ डायग्राम वगैरह बना हुआ है, बट डायग्राम से बाहर आते हैं, खुद से थोड़ा सोचने की कोशिश करते हैं। तो मान लो आप किसी वेडिंग पे गए या किसी बर्थडे पार्टी पे गए, वहां पे आप देखते होंगे प्लेट्स के ऊपर प्लेट्स के ऊपर प्लेट्स, ऐसे प्लेट्स रखी होती हैं, एक के ऊपर एक बहुत सारी प्लेट्स रखी होती है। कभी भी आप किसी को देखोगे, वो ऐसा नहीं होगा कि लास्ट वाली प्लेट उठा रहा है या बीच में से कोई प्लेट निकालने की कोशिश कर रहा है। सब लोग आके चुपचाप सबसे ऊपर वाली प्लेट निकाल लेते हैं, या फिर जब किसी को फ्रेश प्लेट्स रखनी होती है तो वो सबसे ऊपर लाके फ्रेश प्लेट्स को रख देता है, ठीक है। ऐसे सिनेरियो को हम लोग कहते हैं स्टैक। ये हो गया हमारा स्टैक ऑफ प्लेट्स। और एग्जांपल देता हूं, आपके अलमीरा में आपके बहुत सारे कपड़े पड़े रहते होंगे, तो ऑल्दो काफी लोग करते होंगे कि बीच से भी टी शर्ट्स निकाल रहे हैं, बट जनरली सब लोग ऊपर से जो सबसे ऊपर टी शर्ट पड़ी है उसको उठा लेते हैं अगर जल्दी में, तो आपने स्टैक ऑफ टी शर्ट रखा हुआ है। आप सबसे ऊपर से टी शर्ट निकाल ले, तो जब आपको टी शर्ट रखनी होती है तो ऐसा नहीं है ना किसी टी शर्ट को कहीं किसी के अंदर डालते, जनरली लोग एक के ऊपर एक बस सीधा ऊपर से रख देते हैं। और एग्जांपल लेते हैं, बुक्स का एग्जांपल लेते हैं, बहुत एक के ऊपर एक बहुत सारी आपने आप मान लो 20-25 बुक्स रख दी हैं, बीच से बुक निकालोगे तो सारी बुक्स गिर जाएंगी। जनरली लोग ऊपर से एक एक करके बुक निकालते हैं, फिर जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग बुक चाहिए होती है वो रखते हैं और वापस सारी बुक एक के ऊपर एक लगा देते हैं। इन सारे सिनेरियोज में आप एक्चुअली स्टैक्स का यूज़ कर रहे हो। तो स्टैक एज अ डेटा स्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। स्टैक्स का यूज़ करके आप ऐसे सिचुएशंस मेंटेन कर सकते हो जहाँ पे आपको इस तरह का कुछ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन समझ में आएगा, राइट। ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये लॉक्ड होता है। लॉक्ड मतलब ना ही यहाँ से कोई एलिमेंट इंसर्ट हो सकता है, ना ही यहाँ से कोई एलिमेंट रिमूव हो सकता है। ये जो पार्ट है इसको कहते हैं हम टॉप, राइट। ये ऊपर वाला पार्ट है। अब अगर आपको कोई भी एलिमेंट ऐड करना है, तो देखो यहाँ पे लिखा है ना पुशिंग द एलिमेंट, तो कोई भी एलिमेंट अगर ऐड करना है तो वो टॉप पे ही ऐड होगा। और अगर आपको कोई भी एलिमेंट रिमूव करना है, तो पॉपिंग का मतलब है एक्चुअली रिमूव, पॉपिंग का मतलब है एक्चुअली रिमूव, और पुशिंग का मतलब है एक्चुअली एडिशन, ठीक है। तो अगर आपको कभी भी कोई एलिमेंट है जिसे ऐड करना है स्टैक में, तो आप हमेशा ऊपर से ऐसे ऐड करोगे, ये देखो ये एलिमेंट जैसे ऐड हो रहा है, और अगर रिमूव भी करना है तो ये टॉप मोस्ट एलिमेंट रिमूव होगा। तो जो भी आपका एलिमेंट अंडर कंसिडरेशन है वो हमेशा टॉप रहता है। बीच के ये जो एलिमेंट्स हैं ना, इनको आप टच नहीं कर सकते, इनका एक्सेस आपके पास एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। चलो ये बात तो हो गई। अब तो मिलेगा इसके यूज़ केसेस वगैरह क्या हैं। तो देखो बहुत सारे यूज़ केस होते हैं स्टैक्स के, ठीक है। कई सारे एल्गोरिथम्स की इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन में यूज़ होता है स्टैक। अगर आपने रिकर्जन पढ़ी है तो रिकर्जन में आपने ज़रूर कॉल स्टैक का नाम सुना होगा,
है ना, कॉल स्टैक का नाम आपने सुना होगा। तो कॉल स्टैक जो होती है हमारी, हमारी कॉल स्टैक सेम स्ट्रक्चर पे डिपेंडेंट होती है। मेमोरी में जो कॉल स्टैक है उसमें आप फंक्शन एक के ऊपर एक के ऊपर एक डाल सकते हो। जो सबसे टॉप मोस्ट फंक्शन होता है वही एग्जीक्यूट हो रहा होता है, बीच के सारे फंक्शन वेटिंग स्टेट पे होते हैं, उनको आप एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये तो चलो बात हो गई कि यार स्टैक्स होते क्या है। आसान भाषा में अगर हम लोग समझना चाहें तो स्टैक्स होते क्या है। अब देखने की बात क्या है कि स्टैक बनाने के लिए, अगर मान लो मैं आपको कहूँ कि अच्छा ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है कि एलिमेंट हमेशा टॉप से ही आ रहा है और आपको बनाने, तो आप कैसे बना सकते हो। तो सबसे पहली बात तो स्टैक को ना लीफो डेटा स्ट्रक्चर कंसिडर किया जाता है। लीफो का मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब जो एलिमेंट आखिर में ऐड हुआ था वो सबसे पहले रिमूव होगा। फॉर एग्जाम्पल ये मान लो आपकी स्टैक है, ये आपने डाला 1 2 3 4। देखो एक के ऊपर एक के ऊपर एक एलिमेंट डालते रहे, तो लास्ट में कौन डाला गया है, 4 डाला गया है। तो जब मैं रिमूव करूंगा ना, सबसे पहले 4 ही रिमूव होगा, फिर दोबारा जब मैं रिमूव करूंगा तो 3 रिमूव होगा। तो तुम देख सकते हो 4 सबसे लास्ट में ऐड किया गया था, तो सबसे पहले रिमूव कर दिया गया, और 3 उसके बाद ऐड किया गया था, मैं कहूं उससे जस्ट पहले ऐड किया गया था। तो जब 4 का रिमूवल हो गया और आपने एक बार और रिमूव करना है, तब आपने एक्चुअली 3 को रिमूव कर दिया। इस तरीके से एक्चुअली स्टैक काम करती है। तो स्टैक में जो मेन फंक्शंस आपको लिखने होते हैं, अगर आप एक स्टैक बना रहे हो तो आपके पास एक पुश फंक्शन होना चाहिए जिससे आप एलिमेंट को इंसर्ट कर पाओ स्टैक में। अभी स्टैक कैसे बननी है, मेमोरी में हम कैसे मेंटेन करेंगे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। बट एक फंक्शन जो हमें चाहिए होगा वो चाहिए होगा पुश फंक्शन। एक फंक्शन जो हमें चाहिए होगा वो होगा पॉप फंक्शन, यार आप एलिमेंट को ना रिमूव भी कर पाओ। ये हो गया एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए, ये हो गया एलिमेंट को रिमूव करने के लिए। और इंसर्ट एट टॉप, हमेशा टॉप पे ही एलिमेंट इंसर्ट होगा, एंड रिमूव फ्रॉम टॉप, हमेशा टॉप से ही रिमूव होगा। फिर हम लोग एक फंक्शन लिख सकते हैं इज एम्प्टी। इज एम्प्टी ये बताएगा कि स्टैक एम्प्टी है या नहीं है। इज फुल ये बताएगा कि स्टैक फुल है या नहीं है। साथ ही साथ एक फंक्शन लिख सकते हैं साइज, जो बता देगा कि एक्चुअली स्टैक का साइज क्या है। और एक फंक्शन रख सकते हैं टॉप, जो ये बता देगा कि टॉप मोस्ट एलिमेंट क्या है। तो देखो पुश फंक्शन से इंसर्ट एलिमेंट को इंसर्ट करने का लॉजिक चला जाएगा, पॉप फंक्शन से एलिमेंट को रिमूव करने का लॉजिक चला जाएगा, इज एम्प्टी फंक्शन से यह पता लग जाएगा कि स्टैक एम्प्टी है या नहीं है, इज फुल से यह पता लग जाएगा कि स्टैक पूरी भरी हुई है या नहीं है, साइज से यह पता लग जाएगा स्टैक का भी करंट साइज क्या है, और टॉप से यह पता लग जाएगा कि टॉप पे भी टॉप मोस्ट एलिमेंट क्या पड़ा हुआ है। ये सारी चीजें हम फिगर आउट करके ला सकते हैं, ठीक है। अब सोचने की बात है कि आप स्टैक कैसे बनाओगे। देखो जब भी आप अपने C++ प्रोग्राम को रन करोगे, आपको कुछ मेमोरी एलोकेट हो। अब आप ये चाहते हो कि यार मेमोरी जैसे भी एलोकेट हो, जब एक एंड यूजर मेरी स्टैक यूज कर रहा है ना, तो इंटरनली मैं उसको कैसे भी स्टोर करूं, बट जो यूजर को मेंटल मॉडल जाना चाहिए वो ऐसा जाना चाहिए कि जब भी वो कुछ इंसर्ट कर रहा है तो वो टॉप पे इंसर्ट हो रहा है, जब भी वो कुछ रिमूव कर रहा है तो वो टॉप से रिमूव हो रहा है। अब इंटरनली इंप्लीमेंटेशन कैसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक डेटा स्ट्रक्चर होता है डेक, तो जो इंटरनल C++ की स्टैक है, जो STL की स्टैक है, वो डेक से लिखी गई है, डिफॉल्ट जो इंप्लीमेंटेशन होगा। तो अब अंदर तो हो सकता है आप मे बी लिंक लिस्ट का यूज करके स्टैक बना लो, या फिर एरे का यूज करके स्टैक बना लो, कैसे भी करके स्टैक बना लो, लेकिन जब एंड यूजर उसको यूज करेगा तो उसको हमेशा सिर्फ टॉप मोस्ट एलिमेंट का एक्सेस होना चाहिए, उसको कभी भी बचे हुए एलिमेंट्स का एक्सेस नहीं होना चाहिए। जब भी वो ऐड करेगा तो टॉप पॉइंटर का यूज करके ही उसको ऐड करेगा, रिमूव करेगा तो भी टॉप से रिमूव करेगा, एंड सो ऑन। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो जब भी आपको कोई कहता है स्टैक इंप्लीमेंट करना है, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि स्टैक का मेंटल मॉडल ऐसे बनना चाहिए। इंटरनली आप कैसे भी इंप्लीमेंट कर रहे हो, बट बाहर वाला यूजर जब एक्सटर्नली जब यूज करेगा, उसको बस पुश फंक्शन दिखेगा, पॉप फंक्शन दिखेगा, इंटरनली वो कैसे चल रहे हैं वो यूजर की टेंशन नहीं। अब स्टैक के साथ एक खास बात क्या है कि ये जो सारे के सारे ऑपरेशंस आपने लिखे, पुश इंसर्ट करना, पॉप रिमूव करना, इज एम्प्टी देखना कि स्टैक एम्प्टी है या नहीं, इज फुल कि स्टैक पूरी भर गई है नहीं भर गई, साइज क्या है स्टैक का, टॉप मोस्ट एलिमेंट क्या है स्टैक का, ये सारा डेटा आपको टेक्निकली बेस्ट इंप्लीमेंटेशन ऑर्डर ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में पूरा करना है। ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ऑर्डर ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में पूरा कर पाते हो
तो ये सबसे एफिशिएंट इंप्लीमेंटेशन होगा स्टैक। ठीक है, अब मान लो अगर आपको स्टैक इंप्लीमेंट करना है तो वैसे बहुत सारे तरीके हैं। एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जैसे क्यू, क्यू का यूज करके स्टैक इंप्लीमेंट हो जाता है, बट उसकी बात अभी हम लोग नहीं करेंगे। अगर हमें स्टैक इंप्लीमेंट करना है तो हम दो मेजर इंप्लीमेंटेशन के ऊपर ध्यान देंगे। पहली इंप्लीमेंटेशन है स्टैक यूजिंग एरेस, दूसरी है स्टैक यूजिंग लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, ये दो मेजर इंप्लीमेंटेशन है स्टैक्स की जो एग्जिस्ट करती हैं, कि यार आप या तो एरे का यूज करके स्टैक बना सकते हो या आप लिंक्ड लिस्ट का यूज करके स्टैक बना सकते हो, और दोनों को बनाना टू बी वेरी ऑनेस्ट सच में बहुत आसान होता है। ठीक है, बट देखो दोनों को हम कैसे भी बनाएं, जो फाइनल आउटपुट आना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि हमारे पास एक मेंटल में पिक्चर ऐसी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने करा पुश 10, पुश 20, पॉप, देन इज एम्प्टी, देन टॉप एंड सो ऑन। राइट, एक और लिख लेते हैं पुश 0। ठीक है, तो मतलब जब आपने करा पुश 0, अभी स्टैक के टॉप पे तो कुछ नहीं पड़ा तो 0 बन जाएगा टॉप। फिर आपने करा पुश 10 तो 10 आ जाएगा टॉप पे, फिर 20, 20 आ जाएगा टॉप पे। अभी कैसे आएगा ये आपको सोचना है, बट मेंटल मॉडल ऐसा मिलना चाहिए। फिर आप पॉप कर दोगे, पॉप करोगे तो लास्ट एलिमेंट पॉप आउट हो जाएगा। अब क्या यहाँ पे स्टैक एम्प्टी है? जी नहीं, एम्प्टी तो नहीं है। तो अगर आप टॉप मांगोगे तो 10 मिल जाएगा टॉप मोस्ट एलिमेंट में, एंड अगर आपको आगे कोई एलिमेंट्स ऐड करने हैं तो आप यहीं से एक्चुअली ऐड कर सकते हो। तो ये एक्चुअली सेट ऑफ ऑपरेशंस है। तो अगर मैं सिग्नेचर लिखने की कोशिश करूं तो आपके पास एक पुश फंक्शन होगा, ठीक है, पुश फंक्शन का रिटर्न टाइप होगा वॉइड, और ये कोई तो वैल्यू लेगा एक्स। ठीक है, इससे क्या होगा, एक्स एक्चुअली स्टैक में ऐड हो जाएगा। राइट, पॉप करना है तो एक्स ऐड करने की जरूरत नहीं, पॉप सिर्फ सीधा ही रिमूव कर देगा एलिमेंट को। बूल इज एम्प्टी, क्या हमारी स्टैक एम्प्टी है? साथ ही साथ बूल इज फुल, क्या एरे सॉरी स्टैक पूरी फुल हो गई है? लेट्स से इंट टॉप, ओके, क्या टॉप मोस्ट एलिमेंट पे क्या पड़ा है? मैं मान के चल रहा हूं कि इंटीजर की स्टैक। ठीक है, ओके, उसके बाद तुम साइज स्टोर कर सकते हो। यार अभी तक कितनी बार पुश ऑपरेशन चली है, जितनी भी बार अभी तक पुश ऑपरेशन चली है और सक्सेसफुल रही है उतनी बार आपके पास साइज एग्जिस्ट करे। राइट, एंड लेट्स सी, एंड दिस इज गुड टू गो। राइट, सो ये सिग्नेचर होने वाला है सिंटैक्स का, कि जब आप ये फंक्शंस इंप्लीमेंट करोगे तो ये फंक्शंस इस सिग्नेचर के दिखने चाहिए, कि यार पुश में आर्गुमेंट जा रहा है, बाकी मोस्टली किसी में आर्गुमेंट नहीं जा रहा है, कुछ बूल टाइप के है, कुछ वॉइड टाइप के। इस चीज का हमें ध्यान रखना। राइट, अब एक काम करते हैं कि दोनों इंप्लीमेंटेशन के ऊपर एक एक बार हॉप ऑन करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि अगर मुझे लिंक लिस्ट का यूज करके स्टैक बनाना है या फिर एरेज का यूज करके स्टैक बनाना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट जस्ट स्टार्ट एंड लेट स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर पार्ट। तो यार इससे पहले कि हम लोग स्टैक इंटरनली कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग एरेज और लिंक लिस्ट, इसके ऊपर बात करें, उससे पहले मैं दो इंपॉर्टेंट कंडीशन के ऊपर डिस्कशन करना चाहता हूँ। पहली कंडीशन होती है ओवरफ्लो और दूसरी कंडीशन होती है अंडरफ्लो। ठीक है, चलो बात करते हैं ओवरफ्लो और अंडरफ्लो कंडीशन के बारे में। ठीक है, तो देखो मान लो आपके पास एक स्टैक है, आपने कुछ एलिमेंट्स डाले और मान लेते हैं कि इस स्टैक की ना एक कैपेसिटी थी, स्टैक की कैपेसिटी थी 5। यार ये मैक्सिमम ना 5 ही एलिमेंट ले सकता था, ऑल्दो ऑफ कोर्स जब हम लोग इसको कोड करेंगे तो ज्यादा कैपेसिटी होगी, बट अज्यूम कर लेते हैं कि इस स्टैक की कैपेसिटी 5 थी। अब अगर ऐसा है तो मान लो मैंने करा पुश 1, तो 1 पुश हो जाएगा क्योंकि अभी तो कैपेसिटी है। फिर मैंने दोबारा करा पुश 2, 2 पुश हो जाएगा। मैंने करा पुश 3, 3 पुश हो जाएगा। फिर मान लो मैंने पॉप कर दिया, एक बारी पॉप कर दिया तो 3 रिमूव हो जाएगा। फिर मैंने करा पुश 4, तो 4 ऐड हो गया। मान लो मैंने एक्सेस करने की कोशिश करी टॉप, ठीक है ना, तो टॉप में क्या होगा,
फोर मिल जाएगा, फोर हमारे एक्चुअली टॉप पे पड़ा है, फोर रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। फिर मान लो मैंने करा पुश फाइव, तो फाइव पुश हो जाएगा। फिर मैंने करा मान लो पुश सिक्स, सिक्स पुश हो जाएगा। अब देखो पांच की कैपेसिटी थी, पांच एलिमेंट डल चुके हैं। आपने एक और पुश ट्राई करा, मान लो मैं टेन पुश करने की कोशिश करता हूँ, टेन यहाँ पे पुश नहीं होगा, ये कंडीशन हो गई है ओवरफ्लो। ओवरफ्लो का मतलब कि जितनी स्टैक की कैपेसिटी थी, मान लो आपको मेमोरी मिली 512 MB, उस हिसाब से स्टैक की कैपेसिटी मान लो 10^8 एलिमेंट्स की थी। जैसे ही आप वो कैपेसिटी को एक्सीड कर जाओगे, जो भी आपको कैपेसिटी एलोकेट हुई है, तो एक कंडीशन आ जाती है जिसको हम लोग कहते हैं ओवरफ्लो, कि स्टैक ओवरफ्लो कर गई है, राइट। ओवरफ्लो का मतलब है कि जो आपकी कैपेसिटी डिफाइंड थी, उस डिफाइंड कैपेसिटी से ज्यादा एलिमेंट्स आपने डालने की कोशिश करी है। जैसे ही आप इस डिफाइंड कैपेसिटी से ज्यादा एलिमेंट डालने की कोशिश करोगे, आप ओवरफ्लो की कंडीशन को हिट कर जाओगे, ठीक लग रहा है। तो ये जो ओवरफ्लो की कंडीशन है, इस केस में अगर आप 10 ऐड करने की कोशिश करोगे तो कुछ भी ऐड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो वॉइड वॉइड पुश था, तो अगर वॉइड पुश था तो टेक्निकली आप बस रिटर्न कर जाओ, आपको कुछ भी सेपरेटली ऐड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मान लो मैंने पॉप करना शुरू किया, और मैंने दो तीन बार पॉप करा, दो बार पॉप करा, सिक्स और फाइव चले गए। फिर मैंने टॉप एक्सेस करा, फोर टॉप पे फोर है, ओके। फिर मैंने पॉप करा दो बार, तीन बार पॉप कर दिया, चलो ठीक है, तीनों एलिमेंट्स हट गए। अब मान लो इसके बाद मैं एक और बार पॉप करने की कोशिश करूं, अब स्टैक में एलिमेंट ही नहीं है। जब स्टैक में एलिमेंट ही नहीं है तो आप क्या डिलीट करना चाहते हो? कुछ भी डिलीट नहीं कर सकते ना। तो ऐसी कंडीशन जब स्टैक में एलिमेंट ही नहीं था, और आप पता नहीं क्या ही एक्सेस करना चाहते हो, क्या ही डिलीट करना चाहते हो, आपको नहीं पता क्योंकि स्टैक खत्म हो चुकी है, खाली हो चुकी है, ऐसे केस को कहते हैं अंडरफ्लो। अंडरफ्लो का मतलब कि स्टैक में कुछ प्रेजेंट ही नहीं था और आप कुछ रिमूव करने की कोशिश कर रहे हो, गया स्टैक अंडरफ्लो, ठीक लग रहा है, ओके। अब ऐसे केसेस में अगर आप मान लो टॉप एलिमेंट एक्सेस करने की कोशिश करोगे, तो आप कुछ इन्फिनिटी या -1 टाइप कुछ रिटर्न कर सकते हो, क्योंकि टॉप पे कोई एलिमेंट है ही नहीं ना, स्टैक एम्प्टी है। जब स्टैक एम्प्टी है, टॉप पे कोई एलिमेंट नहीं है, तो क्या ही रिटर्न कर लोगे आप? ऐसे केस में अगर आपको कोई टॉप पूछता है तो आप -1 रिटर्न कर सकते हो, या फिर आप रिटर्न कर सकते हो जैसे इंट मैक्स और इंट मिन, ऐसी कुछ वैल्यूज आप रिटर्न कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी कंडीशन अंडरफ्लो की है। तो ये जो ओवरफ्लो और अंडरफ्लो की कंडीशन है, इन्हें बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी बनाती है, क्योंकि कई बार लोगों को ये समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि अच्छा ओवरफ्लो का कौन सा केस है। ऐसा केस जहां पे स्टैक की कैपेसिटी से ज्यादा एलिमेंट्स डालने की कोशिश करी गई और स्टैक अकोमोडेट नहीं कर पाई। अंडरफ्लो ऐसा केस है कि जहां पे स्टैक की कैपेसिटी चाहे जो भी, उस स्टैक में कोई एलिमेंट ही नहीं है और आपने और रिमूव करने की कोशिश करी, या कोई एलिमेंट नहीं, आपने टॉप मोस्ट एलिमेंट एक्सेस करने की कोशिश करी, वो हो जाएगा अंडरफ्लो का कंडीशन। ये दो बहुत ही सिंपल कंडीशंस एग्जिस्ट करती हैं स्टैक। अब अगर हमें इन दोनों कंडीशंस के बारे में ना नाउ आइडिया है, तो देखो जो दो तरीके से स्टैक इम्प्लीमेंट होती है वो होती है, एक तो एरेज का यूज़ करके और एक होती है लिंक लिस्ट का यूज करके। अब अगेन जब आप इम्प्लीमेंटेशन एरेस के साथ करो या लिंक लिस्ट के साथ करो, तो जो एडवांटेज लिंक लिस्ट के हैं वो आपको एडवांटेज मिल जाएंगे, जो एडवांटेज आ रहे हैं वो आपको एडवांटेज मिल जाएंगे। बट पहले हम लोग अभी ट्राई करते हैं कि हम कैसे एक डेटा स्ट्रक्चर का मेंटल मॉडल बना सकते हैं कि किसी दूसरे डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करके हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। लेट्स ट्राई टू फिगर आउट कि हाउ कैन वी इम्प्लीमेंट स्टैक यूजिंग एरेज फर्स्ट। तो चलो यार समझने की कोशिश करते हैं कि एरेज का यूज करके आप स्टैक्स कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो देखो बहुत आसान है, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक क्लास बना सकते हैं स्टैक्स, है ना। इस स्टैक्स क्लास में ना हम कुछ प्रॉपर्टीज रखेंगे, एक प्रॉपर्टी तो रखेंगे अपनी एरे, जिस एरे का यूज करके आप एक्चुअली स्टैक इंप्लीमेंट करना चाहते हो। एक और प्रॉपर्टी रखेंगे टॉप इंडेक्स। ये टॉप इंडेक्स पता है क्या बताएगा? ये बताएगा कि कौन सा इंडेक्स अभी स्टैक के टॉप को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, इनको प्राइवेट बना सकते हैं ताकि एक्सटर्नल वर्ल्ड में एक्सेसिबल ना हो। जब कोई हमारी स्टैक्स को एक्सेस करेगा तो हमें हमारे पुश फंक्शन, पॉप फंक्शन, इज एम्प्टी फंक्शन, सिर्फ इन फंक्शंस का यूज करके ही एक्सेस कर पाएगा। तो चलो देखते हैं, मान लो आपके पास एक एरे है। अब स्टैक की जो भी कैपेसिटी होगी, उस कैपेसिटी के हिसाब से आप एरे बना लो। मान लो ऐसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लेंथ की मान लो आपको एरे बनानी थी, फॉर एग्जाम्पल यही आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी आपने दी है। तो अभी तो इस एरे को इस तरीके से फिल करना है कि ये स्टैक जैसी फिल हो, ठीक है। और मेरे पास है एक टॉप इंडेक्स,
जो कहाँ पॉइंट करता है, टॉप मोस्ट एलिमेंट को। अब सोचने की बात क्या है कि एरे तो खाली है ना, अगर एरे खाली है तो ये टॉप इंडेक्स तो किसी को पॉइंट नहीं करेगा। मैं इंडेक्सेस लिख देता हूं, अगर ये टॉप इंडेक्स किसी को पॉइंट नहीं करेगा क्योंकि एरे खाली है, तो टॉप इंडेक्स को किससे इनिशियलाइज हो जाना चाहिए, माइनस वन से इनिशियलाइज हो जाना चाहिए। तो जब भी टॉप इंडेक्स माइनस वन होगा, ये एक तरह का सिग्नल होगा हमारे लिए कि हम अंडरफ्लो कंडीशन में है या फिर स्टैक एम्प्टी है। तो इफ टॉप इंडेक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन, देन वी आर ईदर इन अंडरफ्लो और नो एलिमेंट्स आर एडेड येट। ठीक है, तो जहां पे भी तुम्हें अंडरफ्लो की कंडीशन चेक करनी है ना कि भाई कहीं अंडरफ्लो कंडीशन में तो नहीं है या स्टैक एम्प्टी तो नहीं है, तो अब बस ये चेक कर लो कि क्या टॉप इंडेक्स माइनस वन के बराबर है या नहीं। ठीक है, अच्छा एक बार ये बात पता लग गई, फिर हम लेट से करते हैं पुश। अब देखो पुश होना है, पुश होना है मतलब स्टैक में स्टोर होना है, स्टैक को इंप्लीमेंट कर रहे हैं एरेज का यूज करके, तो स्टोर तो कहीं एरे में ही होना है। तो मैं पता है क्या कहूंगा, मैं कहूंगा अगर पुश करना है तो टॉप बढ़ाओ, राइट, लेट्स इंक्रीज द टॉप। एक बार टॉप बढ़ गया तो ए आर आर ऑफ टॉप इंडेक्स इज इक्वल्स टू जो भी तुम्हारा नया एलिमेंट आ रहा था, लेट्स से 10। ठीक लग रहा है, तो बस हम लोग 10 को ऐसे ऐड कर देंगे। तो मान लो आपने पुश करा, तो सबसे पहले आप टॉप इंडेक्स को मूव करोगे। ठीक है, आपने एक बारी टॉप इंडेक्स को मूव कर दिया, उसके बाद आप यहाँ पे डाल दोगे 10। अभी आपको फील नहीं आ रही होगी कि स्टैक्स कैसे है, बट डोंट वरी, ये चीज ध्यान में रखो कि ये जो एरे हम बना रहे हैं, इस एरे का एक्सेस हम लोग आउटर वर्ल्ड को नहीं देंगे, ये एरे हमारी इंटरनल इंप्लीमेंटेशन के लिए ही एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, अच्छा अब मान लो मैंने एक और एलिमेंट ऐड करना है, लेट से पुश 5, तो सेम ड्रिल होगा, आप पहले टॉप इंडेक्स को अपडेट कर दोगे और फिर यहाँ पे 5 सेट कर दोगे। फिर मान लो आपने, मैंने कहा पुश 7, तो आप टॉप इंडेक्स को अपडेट कर दोगे, 7 ऐड कर दोगे। ठीक लग रहा है, तो देखो टॉप इंडेक्स को प्लस करने से ये एक्चुअली बता रहा है कि ये स्टैक का टॉप है, तो टेक्निकली आपकी स्टैक ना ऐसी दिख रही है 10 5 7, ये क्या था, फर्स्ट इन एलिमेंट था तो ये लास्ट आउट है, फिलो है, राइट, या मैं कहूँ लास्ट इन फर्स्ट आउट है, 7 लास्ट इन था तो ये पहले निकलेगा, तो एक्चुअली 10 है, 10 के ऊपर 5 है, 5 के ऊपर 7 है। एक और आपने पुश मारा लेट से 11, तो 11 के पुश के लिए पहले टॉप इंडेक्स अपडेट करेंगे, देन 11, राइट। तो इस तरीके से एक्चुअली आप टॉप इंडेक्स मेंटेन कर सकते हो अपने एरे में। ये टॉप इंडेक्स क्या बताएगा कि अभी करंट टॉप मोस्ट एलिमेंट स्टैक का क्या है, अगर किसी को भी डलना है तो टॉप प्लस 1 पे डल सकता है। अब मान लो मैंने रिमूवल कर दिया, मैंने मान लो यहाँ पे पॉप कर दिया, तो पॉप करने से कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, अब बस टॉप इंडेक्स माइनस माइनस कर लो, राइट। अब टॉप इंडेक्स माइनस माइनस करने से क्या होगा, यार मेरे को पता है कि ये टॉप मोस्ट एलिमेंट है, इसके आगे जो भी एलिमेंट्स पड़े हैं वो गार्बेज वैल्यू मान के चलेंगे। तो यहाँ पे एक एलिमेंट पड़ा है, राइट, दोबारा पॉप करा तो टॉप इंडेक्स माइनस माइनस, यहाँ पे एक एलिमेंट है, राइट। तो अब ये सारी वैल्यू गार्बेज वैल्यू हो चुकी है, ये है स्टैक का डॉट पॉप, राइट। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, ये जो टॉप इंडेक्स है बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, तुम देख पा रहे हो, अगर तुम इसको वर्टिकली सेट कर पाओ तो एक एलिमेंट के ऊपर एक और एलिमेंट है, एक और एलिमेंट, एक और एलिमेंट है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, जब रिमूव कर रहे हैं तो टॉप इंडेक्स एक्चुअली नीचे आता जा रहा है, राइट, ओके। हैविंग सेड दैट, तो अब हमें ये फिगर आउट हो गया कि पुश फंक्शन कैसे इंप्लीमेंट होगा और पॉप फंक्शन कैसे इंप्लीमेंट होगा। हम लोग ये भी जानते हैं कि इज एम्प्टी कैसे इंप्लीमेंट होगा, कि अगर अगर टॉप इंडेक्स माइनस वन के बराबर है तो इज एम्प्टी है, बट ये बताओ इज फुल कैसे इंप्लीमेंट होगा। इज फुल का मतलब कि आप इंक्रीमेंट करते जा रहे थे एंड नाउ एट लास्ट यू रीच द लास्ट इंडेक्स, आप लास्ट इंडेक्स पे पहुंच गए, राइट। तो ऐसा करते हैं, एक फंक्शन लिख देंगे इज फुल, ठीक है, और हम करेंगे अगर टॉप इंडेक्स इज इक्वल्स टू ए आर आर डॉट साइज, ओके, और इन फैक्ट साइज माइनस वन, सो द मोमेंट फ्रॉम हेयर टॉप इंडेक्स केम हेयर, लेट्स से यू पुट 100, नाउ यू ट्राई टू ऐड अनदर एलिमेंट, इट्स अ फुल कंडीशन, दैट मीन्स स्टैक ओवरफ्लो, विल फर्स्ट चेक इफ इट इज फुल, हाउ डू यू चेक इफ इट इज फुल, सो द करेंट एलिमेंट इज
this, and the top index is actually pointing here. So the top index is actually pointing to the last element. There is nothing beyond it. So that's when we will consider our stack to be full. This is something like a crucial discussion that we did on the operations of a corresponding stack, right? Now you have to return a function top and a size. So what you can actually do is, if you want to return the size is nothing but top index plus 1. See, when top index is pointing at 1, the size is actually 2. When top index was pointing at 4, the size was actually 3. Right? This is something that you have to keep in mind. And one function can be to return the topmost element. So I guess that's easy. Top index will be just directly returned, or the element at the top index will be directly returned. So in this way, you can actually very easily implement stack using an array. You just need to maintain an array. You just need to maintain a variable top index, and you keep on moving that variable on the rightwards. When you are getting a push, when you're getting a pop, then you are going to revert it back to the left side, right? If you have to check if it is the whole stack is full now, then you have to just check whether the top index is at array.length minus 1. If you want to check stack is empty or not, you just check array is empty or not, or you can say top index is minus 1 or not. Right? So these are some of the ways in which you can actually implement. And you have to prepare this mental model that although I'm implementing it using arrays, it is going to work like a stack, because I am not going to expose how the arrays will work, how the top index will work to the end user. To the end user, I'm going to only expose the code base that is more relevant for the stacks. Right? This is something that you have to keep in mind. And now based on this knowledge, we are going to actually try to code it in order to understand things better. So chalo yaar, ab hum log apne stacks ko code karna actual mein start karte hain, theek hai? So yahan pe hum log kya karenge, main ek bari thoda basic template le aata hu. Main yahan pe ek class likhunga stacks, theek hai? Stack class ke end mein yahan pe semicolon de denge. अब मैं स्टैक के अंदर ना कुछ प्रॉपर्टी स्टोर करके रखूंगा, जैसे कि मैंने तुम्हें दिखाया था कि एक एरे चाहिए होगी, क्योंकि एरे का यूज करके आप स्टैक बनाना चाहते हो. उसके अलावा हमें एक एलिमेंट चाहिए होगा जो टॉप इंडेक्स को पॉइंट कर रहा हो, जिसको हम लोग मूव करें तो एक्चुअली हमारा टॉप मूव हो रहा हो, राइट? ये दो चीजें हमें चाहिए होंगी. सो लेट्स से हम लोग एक ना कैपेसिटी रखेंगे इंट कैपेसिटी, और हम लोग एक एरे रखेंगे इंट ए आर आर, ठीक है? या मैं कहता हूँ इंट स्टार आर, ठीक है? साथ ही साथ हम लोग एक इंडेक्स रखेंगे इंट टॉप, ठीक है? ये तीन प्रॉपर्टीज हम लोग रखने वाले हैं. इन तीनों को मैं प्राइवेट रखूंगा, तो तुम्हें पता ही होगा कि क्लास में अगर तुम बाय डिफॉल्ट अलग से मेंशन नहीं कर रहे हो कि कहाँ से तुम पब्लिक मेथड्स या डेटा मेंबर्स लिख रहे हो, तो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट रहेंगे. तो ये तीनों प्राइवेट रहेंगे. तो बाहर अगर कोई मेरी स्टैक बनाएगा, इस क्लास का यूज करके स्टैक बनाएगा, तो उसको एरे का एक्सेस नहीं मिलेगा. अब मैं यहाँ पे कुछ पब्लिक मेथड्स डिस्प्ले करूंगा, तो मैं यहाँ पे अपना कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा, यहाँ पे पुश फंक्शन, पॉप फंक्शन, ये सारे फंक्शंस मैं एक्चुअली लिखूंगा, ठीक है? चलो, तो सबसे पहले स्टैक का कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं. अब स्टैक के कंस्ट्रक्टर में हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस एक कैपेसिटी चाहिए इंट सी, ठीक है? तो कितनी बड़ी स्टैक एक यूजर बनाना चाहता है वो हमें बता देगा. तो हम लोग कर देंगे दिस एरो कैपेसिटी इज इक्वल्स टू सी, ठीक है? तो जो नए स्टैक ऑब्जेक्ट में जो भी कैपेसिटी देनी है वो इस कंस्ट्रक्टर के कैपेसिटी से आ जाएगी, ठीक है? और अब जो भी आपने कैपेसिटी दी उतनी बड़ी एरे बना लेते हैं. तो ए आर आर इज इक्वल्स टू न्यू इंट सी, ठीक है? तो जो भी आपने कैपेसिटी पास करी है उतनी बड़ी मैं एरे बना लूंगा, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का यूज करके मैं एरे बना लूंगा, ठीक है? उसके बाद टॉप को हम लोग इनिशियलाइज कर देंगे माइनस वन से, ठीक है? टॉप को हम लोग माइनस वन के साथ इनिशियलाइज कर देंगे. ये बात हो गई है, चलो ठीक है. इसके बाद अब हमने स्टैक्स बना लिया है. अगर स्टैक्स बना ली है तो अब हम लोग एक फंक्शन लिखते हैं void push, ठीक है? कंस्ट्रक्टर हमने लिख लिया है. अब एक एलिमेंट को पुश करने का कोड लिखते हैं. एक नया डेटा प्रॉपर्टी आ रही होगी, इसको हमें स्टैक के अंदर ऐड करना है. अब मैंने तुम्हें क्या कहा, स्टैक के अंदर ऐड करने के लिए क्या रखना है? सबसे पहले देखना है स्टैक ऑलरेडी फुल तो नहीं हो गई है ना? तो कैसे पता लगेगा स्टैक फुल है या नहीं है? अगर जो तुम्हारा टॉप वाला पॉइंटर है वो लास्ट अवेलेबल इंडेक्स पे बैठा है तो तुम्हारी स्टैक फुल हो गई है ना, तो तुम उसके ऊपर तो जा ही नहीं सकते. तो इफ टॉप इज इक्वल्स टू कैपेसिटी, एंड मान लो जैसे कैपेसिटी 4 थी, तो
लास्ट इंडेक्स क्या होगा, थर्ड इंडेक्स होगा, तो कैपेसिटी -1, ठीक है। या फिर तुम एक और चेक लगा सकते हो अगर और सेफ रखना है, इफ इट इज इक्वल्स टू, इफ इट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कैपेसिटी, कि यार कभी भी टॉप या तो कैपेसिटी के बराबर हो जाए या बेटर है, आई गेस तुम लास्ट इंडेक्स वाले रखो, इट लुक्स बेटर, ठीक है। कि यार तुम्हारे पास मान लो 4 लेंथ की कैपेसिटी आई, तो 0, 1, 2, 3 लास्ट इंडेक्स थर्ड है, अगर टॉप ऑलरेडी थर्ड इंडेक्स पे है तो इसके ऊपर तो जा ही नहीं सकते। तो यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे, और रिटर्न करने से पहले हम लोग प्रिंट कर देंगे ओवरफ्लो, ठीक है। ओवरफ्लो लिख देंगे कि यार स्टैक में इसके ऊपर जगह बची नहीं है, स्टैक पूरी भर गई है, अब आप और एलिमेंट्स को ऐड नहीं कर सकते, एक न्यू लाइन कैरेक्टर दे। अगर ऐसा नहीं है तो बस अपना टॉप इंक्रीमेंट कर दो। तो इनिशियली टॉप -1 पे था, पहला एलिमेंट ऐड होना होगा तो -1 +1 0 हो जाएगा। टॉप 0 पे पॉइंट कर रहा है, वहां हम पहला एलिमेंट डाल देंगे। मान लो किसी पॉइंट पर टॉप किसी इंडेक्स एक्स पे था, तो पहले टॉप को x+1 पे लेके जाओ और उस x+1 इंडेक्स पे एलिमेंट को ऐड करो। इज इक्वल्स टू डेटा, ठीक लग रहा है, एज सिंपल एज दैट, है ना। यहाँ पे आपने अपने डेटा पॉइंटर को सेट कर दिया, इतना ही काम करना है हमें अगर हमें स्टैक में कोई वैल्यू पुश करनी है। पॉप पे आ जाते हैं, या तो देखो पॉप का सिंटैक्स तुम या तो वॉइड लिख सकते हो कि पॉप कुछ रिटर्न ना करें, और अगर तुम रिटर्न करना चाहते हो तो लेट से अगर पूरी स्टैक खाली है तब तो पॉप कर नहीं पाओगे, अंडरफ्लो की कंडीशन हो जाएगी। अंडरफ्लो की कंडीशन मान लो इंट मिनिमम रिटर्न कर दो या -1 रिटर्न कर दो, ऐसे कुछ कर सकते हो। तो मैं अभी इंट पॉप बना रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें कई जगह दिखेगा कि स्टैक्स का जो पॉप फंक्शन है, कई लोग इंटीजर रिटर्न करते हैं उसमें से, कि यार जो वैल्यू आपने एक्चुअली डिलीट करी ना उस वैल्यू को ही एक्चुअली रिटर्न करने लगता है, ठीक है। सो हम लोग ये चेक करेंगे कि यार अगर जो टॉप है वो -1 है, -1 है, इसका मतलब कुछ है ही नहीं एरे में, तो मैं सी आउट कर दूंगा अंडर फ्लो। यार कुछ एरे में है ही नहीं, आप क्या ही डिलीट कर पाओगे, तो रिटर्न। अदरवाइज एक बार ये चीज़ सेट होगी उसके बाद, अब आपको अगर डिलीट करना है ना, तो देखो डिलीट करने के लिए फाइट नहीं करनी, क्योंकि जो इंडेक्स टॉप से पॉइंट हो रहा होगा 0 से लेकर उसी इंडेक्स तक हम स्टैक मानेंगे, उसके बियॉन्ड कुछ भी है तो स्टैक मानेंगे नहीं। तो मान लो अगर करंट एलिमेंट को डिस्कार्ड करना है, आप बस टॉप -1 कर दो। तो मान लो टॉप 4th इंडेक्स पे था, आपको 4th वाला एलिमेंट रिमूव करना है, टॉप -1 कर दो, आप 3rd इंडेक्स पे आ गए। अब टॉप के ऊपर का कभी एक्सेस तो होगा ही नहीं, 0 से टॉप तक का ही एक्सेस हो पाएगा, और अगर इसने कुछ इंसर्ट करा तो आप दोबारा टॉप ++ करके 4th इंडेक्स पे चीज़ों को अपडेट कर दोगे, तो वहाँ पे वैसी चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी, है ना। चलो तो देखो मैं तुम्हें एक बारी करके दिखाता हूँ। ये मान लो कि टॉप इंडेक्स यहाँ पे पॉइंट करता है, ठीक है, ये तुम्हारा टॉप है। मान लो मुझे एलिमेंट रिमूव करना है, तो तुम एलिमेंट रिमूव करने के लिए फाइट मत करो ना, बस टॉप -1 कर दो। इससे फायदा क्या होगा, मान लो किसी ने कहा अब इसके बाद कहा पुश 0, तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले टॉप ++ करते हो, तो तुम यहाँ लेकर जाओगे और इस इंडेक्स पे चाहे गार्बेज वैल्यू पड़ी है चाहे कुछ पुरानी वैल्यू पड़ी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको 0 से अपडेट कर दोगे। तो टॉप को -1 कर देने से एलिमेंट की रिमूवल वाली फंक्शनैलिटी तो हो रही है, क्योंकि अब उसका एक्सेस हो ही नहीं सकता, है ना, एज सिंपल एज दैट। एक और फंक्शन लिखेंगे इंट टॉप, यार हमें टॉप मोस्ट एलिमेंट मिल भी जाए, तो मान लो अगर टॉप एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हम दोबारा कर देंगे यहाँ पे, तो इंट मैक्स इंट मिन रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। सेम चीज यहाँ करेंगे, अगर टॉप -1 पे है तो कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, अंडरफ्लो प्रिंट कर जाएंगे, अदरवाइज रिटर्न जो भी टॉप इंडेक्स पे एलिमेंट पड़ा है आएगा उसको आप चुपचाप रिटर्न कर दो, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, है ना, एज सिंपल एज दैट। अच्छा अगर मान लो आपको इम्प्लीमेंट करना है बूल इज एम्प्टी, ये बताना है कि एरे एम्प्टी है या नहीं है, तो ये तो बहुत आसान है, अगर टॉप इंडेक्स -1 के बराबर है तो एम्प्टी है, वरना नहीं है, ठीक है। अगर आपको साइज रिटर्न करना है अपने स्टैक का, तो आप क्या करो, टॉप +1 रिटर्न कर दो, ठीक है। अगर टॉप 0 को पॉइंट कर रहा है तो मतलब एक एलिमेंट ऐड हो रखा है, तो 0 + 1 आपने रिटर्न कर दिया, ठीक है, दैट्स इट। एक और फंक्शन यहाँ पे लिख लेते हैं, इज फुल, फुल इज फुल। तो देखो टेक्निकली आप इज फुल की कंडीशन तो यहाँ पे चेक कर ही रहे हो ना,
ये वाली कंडीशन इस फुल की कंडीशन ही तो है, तो रिटर्न इज फुल, है ना? कि यार अगर टॉप मैक्सिमम कैपेसिटी पे पहुंच चुका है तो उसके आगे तो कर ही नहीं सकते कुछ, तो स्टैक हमारी फुल है। दैट्स इट। देखो कितना इजीली हम लोगों ने एक खुद से एक स्टैक कोड कर लिया। चलो इसको एक बार ही चला के देखते हैं। एक स्टैक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, एसटी वन पुश कर दिया, टू पुश कर दिया, थ्री पुश कर दिया, ठीक है। और स्टैक को कंस्ट्रक्ट करने के लिए ना हमें साइज भी देना होगा, लेट से 5 साइज की मैं स्टैक बनाता हूँ, ठीक है। अब एक काम करते हैं, सी आउट एस टी डॉट टॉप, देखते हैं टॉप पे क्या पड़ा है, ठीक है। फिर मान लो पुश किया फोर, फिर मान लो पुश किया फाइव, फिर देखते हैं स्टैक के टॉप पे क्या पड़ा है, फिर उसके बाद मान लो एक और एलिमेंट पुश करने की कोशिश करी, एट, ठीक है। चलो देखते हैं कि क्या होता है, रन करते हैं फाइल को। ठीक है, ये देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। ओके, तो एक्चुअली यहाँ पे टॉप हमने एक फंक्शन का नाम भी रख दिया, वेरिएबल का नाम भी रख दिया, तो एक काम करते हैं गेट टॉप कर देते हैं, गेट टॉप, ठीक है। अब डिबग करने की कोशिश करते हैं, ठीक लग रहा है? देखो अभी स्टैक के टॉप पे क्या है, थ्री है, तो देखो थ्री आ रहा है। इसके बाद स्टैक के टॉप पे फोर और फाइव के बाद फाइव है, आपने एक और एलिमेंट ऐड करने की कोशिश करी तो ओवरफ्लो आ गया। अब मान लो मैंने कुछ पॉप करने की कोशिश करी, दो एलिमेंट मैं पॉप कर देता हूँ, एज सिंपल एज दैट, सी आउट एस टी डॉट गेट टॉप, ठीक है। दो एलिमेंट्स को पॉप करने के बाद देखो दोबारा थ्री है हमारा टॉप पे, सही लग रहा है? तो बहुत ही आसानी से हमने एक स्टैक बना लिया, और एरेज का यूज करके स्टैक बनाई है। तुम बहुत ही ध्यान से देखो, कोई फॉर लूप नहीं है, कुछ नहीं है। पुश की कम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ वन, पॉप की कम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ वन, गेट टॉप की कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ वन। ये सारे के सारे फंक्शन हमने कॉन्स्टेंट टाइम कम्प्लेक्सिटी में इंप्लीमेंट कर लिया, ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है, और काफी एफिशिएंटली हमने हमारी स्टैक को एक्चुअली में कोड कर दिया, राइट। सो आई होप कि ये स्टैक को एरेस के साथ कोड करने का लॉजिक सब लोगों को क्लियर है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कैसे एरेस को आप लिंक लिस्ट के थ्रू इंप्लीमेंट कर सकते हो। वो तो और भी ज्यादा आसान होने वाला है, क्योंकि अगर आपको लिंक लिस्ट पता है कि क्या होती है, लिंक लिस्ट कैसे चलती है, तो 2 मिनट में आपको रियलाइज होने लग जाएगा कि अच्छा लिंक लिस्ट में कौन सी ऐसी एफिशियंट ऑपरेशन है जिसका यूज करके एक्चुअली आप स्टैक्स बना सकते हो। सो लेट्स हॉप ऑन टू दैट एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट कैन बी डन देयर। तो चलो यार अब बात करते हैं कि हम लोग लिंक लिस्ट का यूज करके स्टैक कैसे बना सकते हैं। तो देखो लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है कि कैसे चलता है, और आपको ये मालूम है कि लिंक लिस्ट में आपके पास हेड का एक्सेस होता है, ये आपका हेड ऑफ द लिंक लिस्ट है, आपके पास हेड का एक्सेस होता है। अब स्टैक कैसा डेटा स्ट्रक्चर है? स्टैक है हमारा लास्ट इन फर्स्ट आउट, है ना? स्टैक में आपको पुश पॉप टॉप सब कुछ चाहिए, किसमें? कॉन्स्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में चाहिए, क्योंकि एरे वाली इंप्लीमेंटेशन तो प्रोवाइड कर रही है। अब लिंक लिस्ट वाली इंप्लीमेंटेशन के साथ आप क्या कर सकते हो? आपके पास हेड का एक्सेस होता है, हेड तो आपके पास पड़ा ही होता है ना, आप किसी भी मोमेंट पे इमीडिएटली हेड एक्सेस कर सकते हो, है ना? और हेड को एक्सेस करने के लिए आपको कॉन्स्टेंट टाइम लगता है, तो हेड को एक्सेस करने में कोई एफर्ट नहीं है, तो क्यों ना मैं अपना जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है वो हेड पे मेंटेन कर लूं। तो मैंने कहा कि यार हेड पे कैसे मेंटेन कर लो, मतलब आगे एलिमेंट ऐड करना है मान लो, तो हेड पे कैसे मेंटेन होगा? आप एलिमेंट को ऐड ही हमेशा हेड पे करो। देखो मैं क्या कह रहा हूं, आप इस हेड को ही ना टॉप बना लो, इसी को अपना टॉप बना लो, ठीक है। टॉप किसको पॉइंट करता है? टॉप उस एलिमेंट को पॉइंट करता है जो लास्ट ऐड हुआ था। आप ये मान लो ये एलिमेंट लास्ट ऐड हुआ था, अब इसके बाद किसी ने मान लो करा पुश लेट से सिक्स, तो आप क्या करोगे? आप एक नोड बना लो, ठीक है, मैं यहां से थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर देता हूँ। आप क्या करोगे? आप एक नोड बना लो यहाँ पे, ठीक है। नोड का डेटा क्या हो जाएगा? सिक्स। नोड का नेक्स्ट हो जाएगा नन, ठीक है। एक नया नोड बना लिया मैंने, और इस नए नोड को ना मैं हेड पे ऐड कर दूंगा, मतलब ऐड एट हेड टाइप का कर दूंगा, इंसर्शन एट हेड टाइप का कुछ। अभी जो हेड है वो टॉप को पॉइंट कर रहा है कि यार लास्ट एलिमेंट सेवन ऐड हुआ था,
अब मैंने 6 ऐड किया तो अब हेड यहां आ जाना चाहिए। कैसे आएगा? आपने नया नोड बनाया, आप इस नए नोड का नेक्स्ट, सॉरी इस नए नोड का नेक्स्ट पुराने वाले हेड पे पॉइंट करा दो, ऐसा कुछ कर दो। न्यू नोड नेक्स्ट इज इक्वल्स टू हेड, ठीक है। इस नए नोड का नेक्स्ट आप हेड पे पॉइंट करा दो, ठीक है। ओके, एक बार आपने इस नए नोड का नेक्स्ट हेड पे पॉइंट करा दिया तो ये नोड लिंक लिस्ट से कनेक्ट हो गया, बट अभी भी हेड ये नहीं है। तो अब क्या करना होगा आपको? आपको हेड अपडेट करना होगा। हेड अब आपका यहां आ जाएगा। जैसे ही हेड आपका यहां आया, टॉप एक्चुअली इसको पॉइंट करने लगेगा। तो देखो बहुत आसान है ना, कॉन्स्टेंट टाइम में नोड बन जाएगा, कॉन्स्टेंट टाइम में नोड का नेक्स्ट हेड पे सेट हो जाएगा और कॉन्स्टेंट टाइम में हेड अपडेट हो जाएगा। तो कॉन्स्टेंट टाइम में एलिमेंट ऐड हो रहा है, क्या टेंशन है। मान लो पॉप करना है, पॉप करना है, तो पॉप करने के लिए कौन सा एलिमेंट पॉप होना चाहिए? जो लास्ट ऐड हुआ था, कौन हुआ था लास्ट ऐड? 6 लास्ट ऐड हुआ था, 6 रिमूव होना चाहिए और हेड का ऑलरेडी 6 पे एक्सेस है। तो क्या करेंगे? एक न्यू हेड बना लेंगे। न्यू हेड कौन होगा? जो करंट हेड है उसका जो भी नेक्स्ट नोड है ना, वो हमारा न्यू हेड होगा। तो न्यू हेड यहां आ जाएगा इज इक्वल्स टू हेड नेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? ये कनेक्शन ब्रेक कर देंगे, इस कनेक्शन को हम लोग ब्रेक कर देंगे। तो हम कहेंगे हेड एरो नेक्स्ट इज इक्वल्स टू नल, ठीक है। ये कनेक्शन ब्रेक कर दिया, अभी दोबारा नल को पॉइंट कर रहा है। अब देखो ये नोड अब इस लिंक लिस्ट से बाहर आ गई है। जैसे ही ये नोड लिंक लिस्ट से बाहर आई, बूम डन, इसको आप डिलीट कर दो मैनुअली और अपना हेड अपडेट कर दो। हेड को वापस यहां ले आओ, इसको डिलीट कर दो और हेड को यहां ले आओ, दैट्स इट। तो बहुत ही आसानी से अगर आपको पुश इंप्लीमेंट करना है तो आप कर सकते हो इंसर्ट एट हेड। अगर आपको पॉप इंप्लीमेंट करना है तो बहुत आसानी से आप कर सकते हो रिमूव फ्रॉम हेड, है ना, एज सिंपल एज दैट। चलो इसको एक्शन में एक बार ही देखते हैं, ठीक है। मान लो हमारे पास आ रहा है पुश 1, पुश 2, पुश 3, पुश 4, पुश 5, ऐसे आ रहा है, ठीक है। अभी हमारा हेड किस पे पॉइंट कर रहा है? अभी हमारा हेड पॉइंट कर रहा है नल पे, क्योंकि लिंक लिस्ट एम्प्टी है ना, कोई एलिमेंट ऐड ही नहीं किया। तो हेड अभी पॉइंट कर रहा है नल पे, ठीक है, लिंक लिस्ट एम्प्टी है। आपके पास आया पुश 1, पुश 1 का मतलब क्या है? आप एक नया नोड बनाओगे, आपको करना है इंसर्ट एट हेड, नए एलिमेंट को हेड पे ऐड करना है। तो एक नया नोड बनाओ, नए नोड का डेटा 1, नेक्स्ट नल। आप क्या करोगे? इस नए नोड का नेक्स्ट पुराने वाले हेड पे डाल दो। तो अभी तो टेक्निकली देखा जाए तो पुराना वाला हेड भी नल पे ही पॉइंट करता था, ये भी नल को ही पॉइंट करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इस नए नोड पे हेड ले आओ, हेड इज इक्वल्स टू न्यू नोड। तो देखो ये एलिमेंट कॉन्स्टेंट टाइम में ऐड हो गया, ये आपका पुश हो गया, 1 पुश हो गया स्टैक में। देखो लिंक लिस्ट स्टैक जैसा मिमिक कर रही है, राइट। अब पुश 2 करना है, दोबारा एक नया नोड बनाओ, डेटा डालो 2, इनिशियली नोड का नेक्स्ट होगा नल। अब इस नए नोड का नेक्स्ट आप हेड पे सेट कर दो, न्यू नोड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल्स टू हेड। तो 2 हेड को पॉइंट करने लगेगा और बाद में हेड अपडेट कर दो, हेड यहाँ आ गया। तो देखो 1 के ऊपर आपने 2 ऐड कर दिया, ऐसा नहीं लग रहा, 1 के जस्ट ऊपर आपने 2 ऐड कर दिया, टॉप पे ऐड कर दिया। ये हमारा टॉप, अभी हेड हमारा टॉप है। पुश 3 करा, दोबारा एक नया नोड बनाएंगे, डेटा रखेंगे 3, इनिशियली नेक्स्ट होगा नल, राइट। उसके बाद इस नए नोड का नेक्स्ट हेड पे पॉइंट करा दो, पुराने हेड पे, क्योंकि अभी पुराना हेड हो जाएगा ना। इस नए नोड का नेक्स्ट आप पुराने हेड पे पॉइंट करा दो और हेड अपडेट कर दो। तो देखो हमेशा यही करना है, न्यू नोड नेक्स्ट इज इक्वल्स टू हेड, हेड इज इक्वल्स टू न्यू नोड, एज सिंपल एज दैट। यही करना है हमारे पास। अब एक बार के लिए मान लेते हैं चलो पॉप करना है, ठीक है, बहुत एलिमेंट ऐड कर लिए, मान लो पॉप करना है। पॉप करना भी बहुत आसान है, आप पहले ना एक्सेस सेव कर लो जो न्यू हेड आएगा। आप क्यों पहले न्यू हेड का एक्सेस सेव करना चाहते हो? आपके दिमाग में आएगा यार हेड हटाना है ना, हेड कनेक्ट नल कर देते हैं, ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, हेड रिमूव हो जाएगा। बट उससे प्रॉब्लम है, जैसे ही आपने इसको डिस्कनेक्ट किया और मान लो ये पॉइंटर आपने नहीं रखा है, ये तो डिस्कनेक्ट हो गया, ये डिलीट कर लोगे, बट बची हुई लिंक लिस्ट का एक्सेस खोदोगे ना। अब बची हुई लिंक लिस्ट पे जाओगे कैसे? कोई वेरिएबल पॉइंट ही नहीं कर रहा तो उस पे एक्चुअली पहुंचोगे कैसे? तो इसलिए हम लोग न्यू हेड रखेंगे कि हम बची हुई लिंक लिस्ट को एक्चुअली पॉइंट कर पाए,
हेड है हमारे पास यहाँ। अब हम क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे कनेक्शन, हेड का नेक्स्ट नल कर देंगे, इसको हम लोग मैनुअली डिलीट कर देंगे डिलीट कीवर्ड का यूज करके, और हेड इज इक्वल्स, और हेड को न्यू हेड पे ले आएंगे। मैनुअली डिलीट नहीं भी करना है तो जैसे ही फंक्शन कॉल एंड होगी तो इस स्टैक मेमोरी में से ऑलरेडी रिमूव हो जाएगा, दैट्स इट। तो देखो पॉप हो गया एक एलिमेंट, तो जो लास्ट आया था थ्री लास्ट हुआ था ऐड, देखो थ्री रिमूव हुआ है, इसके बाद दोबारा पॉप करोगे टू रिमूव हो जाएगा, वही लास्ट ऐड हुआ था, एंड सो ऑन। इतना एफर्ट करने के बाद आपको बहुत इजीली एक लिंक लिस्ट मिल जाएगी, और उस लिंक लिस्ट का यूज करके आपको स्टैक मिल जाएगा। अब यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि आप ये कैसे चेक करोगे कि स्टैक एम्प्टी है या नहीं है, आप बस इतना चेक कर लो कि हेड नल है या नहीं है। अगर हेड नल है तो लिंक लिस्ट है ही नहीं कुछ, एम्प्टी है लिंक लिस्ट, और अगर लिंक लिस्ट एम्प्टी है तो इतना समझ लो कि स्टैक एम्प्टी है। अब तुम ये देखना चाहते हो अंडरफ्लो की कंडीशन, तो इसी से देख सकते हो, अगर हेड नल है तो अंडरफ्लो है। ओवरफ्लो की कंडीशन कैसे देख सकते हो, मान लो तुम एक साइज प्रॉपर्टी रख लो और हर बारी जब एक नोड ऐड करते हो ना साइज प्लस प्लस कर दो, जब नोड रिमूव करते हो साइज माइनस माइनस कर दो, अगर करंट साइज मैक्सिमम कैपेसिटी के बराबर हो गया है तो ओवरफ्लो हो जाएगा, कोई टेंशन की बात ही नहीं है ना। टॉप चाहिए, जो भी हेड जिसको भी पॉइंट कर रहा है उसका डेटा रिटर्न कर दो, टॉप आ जाएगा। तो बहुत ही आसान तरीके से आप लिंक लिस्ट का यूज करके एक्चुअली स्टैक बना सकते हो। चलो देखते हैं, कोड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, इसको फ्लो फ्लो में कोड हो जाएगा। देखो सबसे पहले एक काम करते हैं, एक नोड की क्लास बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि नोड का यूज करके लिंक लिस्ट बनाओगे ना। और लेट से मैं इसमें सारी पब्लिक प्रॉपर्टी ही रख देता हूँ फिलहाल के लिए, एक डेटा प्रॉपर्टी होगी और एक नोड का पॉइंटर होगा नेक्स्ट, ये आपने ऑलरेडी लिंक लिस्ट में बनाया होगा। आप स्ट्रक्ट यूज कर सकते हो, क्लास यूज कर सकते हो, कुछ भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं, एक स्टैक क्लास बनाते हैं, ठीक है। अब एक स्टैक क्लास में हम लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी रखेंगे हेड, ठीक है। हेड क्या होगा, एक पॉइंटर ही तो होगा, तो नोड का पॉइंटर होगा हेड। एक कैपेसिटी रखेंगे और एक इंट करेंट साइज रखेंगे, और स्टैक के कंस्ट्रक्टर में कैपेसिटी मिलेगी हमें, तो मैक्सिमम कैपेसिटी स्टैक की सी सेट कर देंगे, करेंट साइज जीरो कर देंगे क्योंकि कोई एलिमेंट है ही नहीं, और हेड को तो नल से पॉइंट करा देंगे। एक नई स्टैक बन जाएगी एम्प्टी स्टैक। अगर तुम्हें चेक करना है कि स्टैक एम्प्टी है या नहीं है, बूल इज एम्प्टी, तो तुम क्या कर दोगे, रिटर्न दिस डॉट हेड इज इक्वल्स टू नल। क्या हेड नल के बराबर है, अगर हेड नल है तो स्टैक एम्प्टी है ना। इन मेथड्स को मैं पब्लिक रखना चाहता हूँ। अच्छा, बूल इज फुल, अगर इज फुल इंप्लीमेंट करना है, ठीक है, तो हम क्या देख लेंगे यार, अगर करंट साइज कैपेसिटी के बराबर है तो फुल है यार, ऐड करते करते कैपेसिटी के बराबर हो गए। पुश फंक्शन लिखते हैं, चलो अब आएगा मजा। इंटर डेटा पुश कैसे करेंगे, देखो एक नई नोड बनाते हैं, इज इक्वल्स टू न्यू नोड, ठीक है। एक काम करते हैं, नोड का भी कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, डेटा मैं पास करूंगा और बाय डिफॉल्ट जो नेक्स्ट है ना वो नल कर दूंगा, बाय डिफॉल्ट जो नेक्स्ट है उसको नल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा पास कर दो, एक नया नोड बन जाएगा जिसके डेटा प्रॉपर्टी में ये वाला करंट डेटा सेट हो रखा है और नेक्स्ट है नल, इसके बाद तो कोई फाइट ही नहीं है। आपको क्या करना है, न्यू नोड का नेक्स्ट हेड पे पॉइंट करा दो और हेड को नल कर, और हेड को न्यू नोड पे पॉइंट कर दो, दैट्स इट। लो भाई पुश हो गया, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, ठीक है। और जैसे करा, करंट साइज को प्लस प्लस कर दो। ऐड करने से पहले बस ये चेक कर लेना कि अगर ऑलरेडी फुल है तो सी आउट कर दो ओवरफ्लो और रिटर्न कर दो, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। ऐसे आप एक void pop, सॉरी int pop कर लेते हैं, चलो pop फंक्शन लिखोगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे यार, pop फंक्शन में तो थोड़े से पहले चेक लगाने होंगे,
देख लो कि अगर हेड नल है, मतलब लिंक लिस्ट एम्प्टी है, लिंक लिस्ट एम्प्टी है तो क्या पॉप करोगे? कुछ पॉप नहीं कर सकते ना, अंडरफ्लो की कंडीशन है। अंडरफ्लो देखो एकदम स्मूथली चल रहा है, एकदम दिमाग में ना स्टैक का लॉजिक तो दिमाग में बस ऐसे बैठने ही लग जाता है। और रिटर्न कर देंगे मान लो इंट में। अगर ऐसा नहीं है तो भाई अपनी बची हुई लिंक लिस्ट का पहले एक्सेस पकड़ लो न्यू हेड में, जो कि क्या होगा हेड का नेक्स्ट। उसके बाद हेड का नेक्स्ट डिस्कनेक्ट कर दो, ठीक लग रहा है? हेड कनेक्ट डिस्कनेक्ट कर दिया। उसके बाद आप कर दो डिलीट दिस ऑफ हेड, आप ये हेड पॉइंटर डिलीट कर दो, मतलब जो भी इसका ऑब्जेक्ट है वो वाली मेमोरी आपने डीएलोकेट कर दी, और अब हेड को न्यू हेड पे ले जाओ। दैट्स इट, ठीक है? एक काम और कर सकते हैं, इसको ना ऐसे कर ले क्योंकि वैल्यू रिटर्न भी करनी है ना, तो एक काम करो एक नोड बनाओ टू बी रिमूव्ड इज इक्वल्स टू दिस एरो हेड, और एंड रिजल्ट इज इक्वल्स टू टू बी रिमूव्ड डेटा, और फिर करते थे डिलीट टू बी रिमूव्ड हेड, अपडेट कर देते हैं न्यू हेड और रिटर्न कर देते हैं रिजल्ट। देखो क्या किया मैंने, एक नया हेड बनाया, उसको हेड के नेक्स्ट पे पॉइंट कर दिया, पुराने वाले हेड को बची हुई लिंक लिस्ट से डिस्कनेक्ट कर दिया, एक स्टोर कर लिया कि भाई इस ये जो हेड वाली नोड है ना इसी को रिमूव करना है, और इसका डेटा एक्चुअली रिजल्ट में स्टोर कर लिया। फिर डिलीट ऑपरेटर का यूज करके उस मेमोरी स्पॉट को डीएलोकेट कर दिया, रिजल्ट में अभी भी डेटा पॉइंटर डेटा वैल्यू स्टोर्ड है तो उसको हम रिटर्न कर देंगे। रिटर्न करने से पहले हेड को नए हेड पे ले जाओ ताकि हेड वापस बची हुई लिंक लिस्ट पे पॉइंट करे। ओके सिंपल। एक और फंक्शन लिख लेते हैं इंट साइज, करेंट साइज से मिल जाएगा इस साइज, बस आ जाओ पुराने वाले कोड में से ही। मैं देखो यहां से फंक्शन पिक कर लेता हूँ क्योंकि सिंटैक्स सेम है ना, स्टैक बना ली पुश करा, यहाँ पे भी गेट टॉप कर लेते हैं। अच्छा गेट टॉप फंक्शन नहीं लिखा मैंने, लिख लेते हैं गेट टॉप में। भाई पहली कंडीशन तो यही है कि यार अगर नल है तो टॉप पे कुछ होगा ही नहीं, वरना रिटर्न हेड का डेटा, जो भी आपका हेड पॉइंटर है उस पे जो भी डेटा है उस नोड पे वो रिटर्न कर दो, वही आपका टॉप है। चलो रन करते हैं, देखो 3 आ रहा है अभी। 1 2 3 में लास्ट एलिमेंट कौन ऐड हुआ था? 3, तो टॉप पे 3 पड़ा है। फिर 4 5 में लास्ट एलिमेंट कौन ऐड हुआ था? 5, टॉप पे 5 पड़ा है। 8 ऐड कर नहीं सकते क्योंकि 5 एलिमेंट ऑलरेडी ऐड हो गए, कैपेसिटी 5 की थी, 2 एलिमेंट रिमूव किए वापस 3 पे आ गए, टॉप एक्सेस किया दोबारा आ गया 3। देखो बहुत ही आसानी से वन शॉट में हम लोगों ने लिंक लिस्ट का यूज करके स्टैक बना लिया, और बहुत आसान है। अब हेड पे ही डेटा को इंसर्ट करो, हेड से ही डेटा को रिमूव करो, इतना सिंपल सा ऑपरेशन करने से आप एक स्टैक इंप्लीमेंट कर पाओगे यूजिंग लिंक लिस्ट। सो आई होप कि ये ओवरऑल लॉजिक कि आप स्टैक्स कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, क्या लॉजिक रहेगा लिंक लिस्ट का यूज करके, सब लोगों को क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि यार अब जब भी किसी क्वेश्चन में स्टैक यूज करना होगा क्या इतना कोड लिखेंगे या अपना कोड कॉपी पेस्ट करते रहेंगे? नहीं, सी प्लस प्लस में हमारे पास एक इंटरनल स्टैक होती है। ये तो आप लोगों को इसलिए बता दिया गया कि यार आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि खुद से मान लो किसी ने कभी कह दिया कि स्टैक इंप्लीमेंट करो, इंटरनल स्टैक यूज नहीं कर सकते तो कैसे करना है, और लॉजिक बिल्डिंग भी आ जाती है कि यार अच्छा ऐसा वाला डेटा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। बट जनरली अगर आपको स्टैक यूज करना है ना तो आपको एक इंटरनल स्टैक मिलेगी, आप उसी को डायरेक्टली यूज कर सकते हो। ठीक है, कैसे यूज कर सकते हो? हमारे पास एक हेडर फाइल है हैश इंक्लूड स्टैक, तो अब ये स्टैक हेडर फाइल ले लो। उसके बाद आप लिखो स्टैक, आपको एक स्टैक बनानी है, उसमें यहाँ पे स्मॉल ऐसा रहता है स्टैक का, पेयर ऑफ एंगल ब्रैकेट दो, जैसे आप वेक्टर में देते थे वैसे ही पेयर ऑफ एंगल ब्रैकेट दो। स्टैक का टाइप लिख दो कि किस किस टाइप के एलिमेंट स्टैक में जा रहे हैं एंगल ब्रैकेट के अंदर, और स्टैक का नेम दे दो। दैट्स इट, बाकी सारा काम वैसा ही होगा जैसे आपकी बाकी की स्टैक्स कर दी थी। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनपुट एस टी डॉट पुश। अब यहाँ पे एक फर्क है, यहाँ पे ना आपको स्टैक का साइज नहीं देना पड़ता,
तो जितनी भी मेमोरी आपको सी प्लस प्लस में एलोकेट हुई है आपकी रैम में, उसके बिहाफ पे जितनी बड़ी स्टैक आप यहाँ पे बना पाओगे वो बना देगा, वरना फिर ओवरफ्लो दे देगा। तो हम ओवरफ्लो की कंडीशन नहीं चेक कर रहे होंगे, बट चलो और बाकी कंडीशंस देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एसटी डॉट टॉप फंक्शन होता है, ठीक है। दो पॉप कर देते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। देखो 3 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, सही लग रहा है। इनपुट पढ़ो, समझ में आ जाएगा। एक चीज देखते हैं, अगर मान लो यहीं से पॉप करने की कोशिश करी, अभी स्टैक एम्प्टी थी तुमने पॉप लगाने की कोशिश करी, देखते हैं क्या होता है। देखो सेगमेंटेशन फॉल्ट आ जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, एक फॉल्ट थ्रो कर देते हैं कि यार आप एक खाली स्टैक में रिमूव करना चाहते थे, क्या ही कर रहे हो, तो यहाँ पे ये ऑपरेशन वैलिड नहीं है, ठीक है। हमारे में हम लोग बस प्रिंट कर रहे थे, यहाँ पे प्रॉपर एक एरर थ्रो हो जाता है। बट टेक्निकली अगर आपको सी प्लस प्लस में स्टैक यूज करनी है, बस ये 4 वर्ड लिखने, स्टैक इंट एसटी और सेमीकोलन, आप एक स्टैक बना पाओगे। पुश फंक्शन का यूज करके स्टैक के टॉप पे पुश कर पाओगे, पॉप फंक्शन का यूज करके जो भी टॉप पे है उसको रिमूव कर पाओगे, टॉप फंक्शन का यूज करके जो भी टॉप पे है उसको गेट कर पाओगे। ऐसे एक फंक्शन होता है एसटी डॉट एम्प्टी, यार क्या स्टैक एम्प्टी है या नहीं है। तो अगर आपको स्टैक एम्प्टी है या नहीं है गेस करना है, तो देखो स्टैक एम्प्टी नहीं है तो 0 आ रहा है, 0 है 1, बूलियन फॉल्स वैल्यू दे देंगे, ट्रू फॉल्स वैल्यू दे देंगे। तो इतना सिंपल कोड लिखने से भी आप एक स्टैक बना सकते हो, आपको खुद से स्टैक का लॉजिक इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है, आप बहुत ही आसानी से स्टैक बना सकते हो। अब आपको दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार ये जो इंटरनल स्टैक है ये कैसे बनी है, तो उसको मैं तुम्हें ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन दिखाता हूँ कि यार अगर तुम्हें ये जानना है ना कि ये स्टैक कैसे बनाई गई है, तो तुम्हें हमेशा डॉक्यूमेंटेशन रेफर करनी चाहिए। चलो देखते हैं, ठीक है। ये देख रहे हो ना, ये कंटेनर, इस कंटेनर की बाय डिफॉल्ट वैल्यू है डेक। तो कंटेनर क्या बताता है कि इंटरनली ये स्टैक किस डेटा स्ट्रक्चर से इंप्लीमेंट हुआ। तो स्टैक जो हमारा सी प्लस प्लस में एग्जिस्ट करता है वो बाय डिफॉल्ट डेक से इंप्लीमेंट किया जाता है, डिफॉल्ट। बट अगर तुम चाहो तो वो एक वेक्टर से भी इंप्लीमेंट किया जा सकता है, एक डेक से भी किया जा सकता है, और एक लिस्ट से भी किया जाता है। लिस्ट मतलब तुम्हारी लिंक लिस्ट होती है, तो किसी से भी आप एक्चुअली इंप्लीमेंट कर सकते हो। डेक के बारे में अगर अभी नहीं पता है तो डोंट वरी, जब क्यूज का लेक्चर पढ़ रहे होंगे तो वहां पे डेक को इंट्रोड्यूस करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा स्ट्रक्चर होता है। बट आई होप कि ये बात सबको क्लियर हो गई है कि एक्चुअली अगर आपको स्टैक यूज करना है डायरेक्टली तो कैसे यूज कर सकते हैं, खुद से इंप्लीमेंट करना है लिंक लिस्ट का यूज करके या फिर एरेज का यूज करके, ये दोनों चीजें सबको सही तरीके से क्लियर हो गई है। आई होप ऑल ऑफ दिस इज एक्चुअली मेकिंग सेंस टू यू। तो ठीक है, अब हम लोगों ने बेसिक स्टैक समझ लिया है कि स्टैक बनाते कैसे हैं, एरेज का यूज करके स्टैक को कैसे बनाते हैं, लिंक लिस्ट का यूज करके स्टैक को कैसे बनाते हैं, और नॉर्मल जो हमारे पास इंटरनल इंप्लीमेंटेड स्टैक है उसका कैसे यूज कर सकते हैं। अब कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ये जो अभी हम लोग इस लेक्चर में प्रॉब्लम्स कर रहे हैं ना, ये थोड़ा स्टैक का बेटर होल्ड बनाने के लिए है यार, आप थोड़ा स्टैक को यूज करना, यूज करने से भी यूज टू हो जाओ, समझ रहे हो यार। मतलब किसी सिचुएशन में जब स्टैक यूज करनी हो तो आपको उसके ना जो एक्चुअल ऑपरेशंस है उससे आप अच्छी तरह से वाकिफ हो और आपको पता है कि ये फंक्शंस होते हैं, तो स्टैक्स में थोड़ा खेलना आ जाए, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रॉब्लम है, ठीक है। अभी ऐसा नहीं होगा, आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं भिड़ाना पड़ेगा, स्टैक्स के ही ऑपरेशंस को मैनिपुलेट करके सारे सवाल बन जाएंगे। तो देखो पहला सवाल क्या है, कॉपी स्टैक, बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। मतलब मैं आप लोगों को लगेगा कि सर एक्सप्लेन कर भी क्यों रहे हो, है ना। कॉपी कॉन्टेंट्स ऑफ वन स्टैक टू अनदर इन सेम ऑर्डर। मान लो आपके पास एक स्टैक है 1 2 3 4, ठीक है, ये आपको गिवन स्टैक है, गिवन स्टैक है। इस गिवन स्टैक के सारे कंटेंट को एक दूसरी स्टैक में कॉपी करना है, तो एक नई स्टैक बनानी है, रिजल्टेंट स्टैक, ये बनानी है हमें रिजल्ट स्टैक, और इस रिजल्ट स्टैक में सारा का सारा कंटेंट कॉपी करना है। बट कैच क्या है कि कॉपी सेम ऑर्डर में होना चाहिए, 1 2 3 4 है तो 1 2 3 4 ही रहना चाहिए। मिलेगा, अरे सर तो फाइट क्या है, उठा के डालना शुरू कर दो ना, आपको पता है कि स्टैक के टॉप का एक्सेस होगा आपको, तो आप 4 को एक्सेस कर सकते हो, 4 को डालो, 3 को डालो, डालो। बट यहां पे एक ऑब्जर्वेशन है देखने वाली,
मान लो आपने एक रिजल्टेंट स्टैक बनाई और आप बिना कोई ऐसा एल्गोरिथमिक स्टफ करे हुए सीधा बस एलिमेंट को स्टैक से उठा के दूसरी स्टैक में डालने की कोशिश करते हो। चलो देखते हैं क्या होता है। ये मैंने फोर लिया, फोर टॉप पे पड़ा है, देखो ये फोर टॉप पे पड़ा है ना, इस फोर को पॉप कर लेते हैं, पॉप कर लिया, और इस फोर को रिजल्टेंट में पुश कर लेते हैं, देखो पुश कर लिया, यहां से स्लाइड इन करा गए। अब यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है। फिर थ्री टॉप पे है, थ्री को पॉप किया और थ्री को यहां पुश कर लिया। अब टू टॉप पे है, टू को पॉप किया, टू को पुश कर लिया। वन टॉप पे है, वन को पॉप किया, वन को पुश कर लिया, स्टैक एम्प्टी हो गई। गलती हो गई ना यहां, आपको वन टू थ्री फोर ये गिवन ऑर्डर था, इसी गिवन ऑर्डर में कॉपी करना था, आपने रिवर्स ऑर्डर में कॉपी कर डाला। ये प्रॉपर्टी होती है स्टैक की कि कभी भी आप अगर एक स्टैक से दूसरे स्टैक में डेटा ट्रांसफर करते हो ना, हमेशा वो डेटा रिवर्स हो जाता है। तो ये लिख लेते हैं, व्हेनेवर वी ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन स्टैक टू अदर इट गेट्स रिवर्स्ड, राइट? यह रिवर्स हो जाता है। तो क्या करा जाए यार, तो क्यों ना इसी चीज का फायदा उठाया जाए। तुम ना इस चीज का फायदा उठा सकते हो। तुम कहोगे सर फायदा कैसे उठा सकते हैं, चलो देखते हैं। यार एक स्टैक से दूसरे स्टैक में ले जाने से चीज रिवर्स हो जाती है, तो रिवर्स वाली चीज जो रिवर्स वाली स्टैक है वहां से कंटेंट एक और स्टैक में ले जाए तो फिर ओरिजिनल फॉर्म में तो आ जाएगा। तुम मानो कि भाई यहां पे ना एक टेम्परेरी स्टैक बना लो, तुम ये बना लो टेम्परेरी स्टैक, ठीक है, रिजल्टेंट स्टैक में नहीं लेके जा रहे। तुम क्या करो, पहले गिवन स्टैक से डेटा को टेम्परेरी स्टैक में डालो, फिर टेम्परेरी स्टैक से डेटा को रिजल्टेंट स्टैक में डालो और देखो ज्यादा हो जाएगा। मैंने क्या कहा, एक स्टैक से डेटा को जब दूसरे स्टैक में डालते हैं डेटा रिवर्स हो जाता है। अरे भाई रिवर्स डेटा को दोबारा एक नई स्टैक में डालोगे वो फिर रिवर्स हो जाएगा, तो मतलब ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। देखते हैं, यहां से फोर उठा के यहां डाला, थ्री उठा के यहां डाला, टू उठा के यहां डाला, वन उठा के यहां डाला। देखो तब तक पॉप करते रहे जब तक गिवन स्टैक एम्प्टी नहीं हो गई और टेम्प में पुश करते रह गए। देखो रिवर्स हो गया ना, वन टू थ्री को रिवर्स ऑर्डर में हो गया। अब ये सेम काम टेम्प से तुम रिजल्ट में कर दो। चलो वन यहां गया, टू यहां गया, थ्री यहां गया, फोर यहां गया, देखो सेम ऑर्डर में वन टू थ्री फोर कॉपी हो गया। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, सारा अगर मान लो गिवन स्टैक एन साइज की थी, तुमने एन बारी लूप चलाया उसको टेम्प में लाए, फिर दोबारा एन बारी लूप चलाया और उसको रिजल्ट में लाए, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ऑर्डर ऑफ एन, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ऑर्डर ऑफ एन। ऑल्दो तुम दो स्टैक्स ले रहे हो एन एन साइज के, बट तुम अगर ध्यान से देखोगे तो पहली चीज तो एन प्लस एन टू एन है, बिगो नोटेशन में वो एन ही होता है। और अगर तुम टेक्निकली तो एन प्लस एन साइज भी नहीं है, अगर मैं ये कहूँ एन प्लस एन साइज नहीं है, क्योंकि ये जो एलिमेंट्स थे ना ये टोटल एन एलिमेंट्स थे, यही उठ के पहले इसी स्टैक में गए, तो ये स्टैक तो उस टाइम खाली हो गई, ये स्टैक में एन एलिमेंट्स आए और फिर इसी में से एलिमेंट्स उठ के यहाँ गए, तो जो टोटल एलिमेंट इधर उधर जा रहे हैं वो तो एन ही है ना, तुम कभी एलिमेंट की कॉपी तो बनाते नहीं, तो टेक्निकली देखा जाए उसी एलिमेंट को तुम यहाँ मूव कर रहे हो। पर ठीक है, अगर तुम्हें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी लग रही हो तो मान लो दो स्टैक थे टू एन है तो भी एन ही होगा, राइट? सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन में आपने ये सॉल्व कर दिया और बहुत ही आसानी से ना ये हो जाएगा कोड। चलो देखते हैं इसको कोड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कॉपी वन स्टैक टू अदर, स्टैक इंपोर्ट कर लेता हूं मैं, स्टैक इंपोर्ट कर लिया, एक फंक्शन लिखते हैं void copy stack, और void भी क्यों लिखे, stack return करेंगे हमारी, एक stack of int return करेंगे, ठीक है। तो return type तो मैं एक जैसे array return कर सकते हो, vector return कर सकते हो, stack भी तो return कर सकते हो ना, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक stack लेंगे input,
अब अगर तुम्हें याद हो पास बाय कॉपी और पास बाय वैल्यू के लेक्चर, तो अगर यहाँ पे कोई डेटा स्ट्रक्चर आप ऐसे पास कर रहे हो तो वो कॉपी से पास हो रहा है, तुम पूरी स्टैक की कॉपी नहीं बनाना चाहते, जो गिवन इनपुट स्टैक है ना उसको बाय रेफरेंस पास कर लो, ठीक है। अच्छा अब ये तो हो गया, अब यहां पे पहले मैं बनाऊंगा एक टेम्परेरी स्टैक और मैं अपने इनपुट स्टैक में से तब तक एलिमेंट्स को उड़ाता रहूंगा, तब तक एलिमेंट्स को पॉप करता रहूंगा जब तक वो खाली नहीं हो जाती। तो व्हाइल नॉट इनपुट डॉट एम्प्टी, भाई जब तक इनपुट लिख देते, जब तक भाई हमारा इनपुट खाली नहीं हो जाता ना तब तक हमें कुछ काम करना है। डू द प्रोसेस टिल द टाइम इनपुट स्टैक डजंट बिकम एम्प्टी। और करना क्या है, देख लो भाई टॉप पे एलिमेंट कौन सा पड़ा है, टॉप पे जो भी एलिमेंट पड़ा है उसको कर दो पॉप। इनपुट है, एसटी नहीं है, इनपुट है ना, तो टॉप पे जो भी एलिमेंट पड़ा है उसको पॉप कर दो, ठीक है। तो आपने इनपुट एरे में से एलिमेंट निकाल दिया, देखो जैसे मान लो इनपुट स्टैक ये थी, एरे नहीं स्टैक, और थ्री मान लो टॉप पे है, आपने करंट में स्टोर किया थ्री और एस इनपुट डॉट पॉप कर दिया, पॉप करा तो थ्री हट गया ना यहां से, तो टेक्निकली तुमने थ्री रिमूव कर लिया। अब जो थ्री रिमूव किया है उसको टेम्प में पुश कर लो, करंट में थ्री पड़ा था, टेम्प मान लो खाली था, टेम्प में थ्री आ जाएगा। अगली आइट्रेशन में क्या इनपुट एम्प्टी है, नहीं इनपुट में वन टू पड़ा है अभी भी, तो स्टैक के टॉप पे क्या है टू, तो करंट आ गया टू, फिर तुम कर दो एसटी डॉट पॉप तो टू हट गया, और फिर करंट को यहाँ पुश कर दो तो टू आ गया। फिर दोबारा क्या स्टैक एम्प्टी है, नहीं स्टैक एम्प्टी नहीं है, तो अब स्टैक के टॉप पे क्या पड़ा है वन पड़ा है, करंट में आ गया वन, पॉप कर दो और यहाँ पुश कर दो। अब क्या इनपुट स्टैक एम्प्टी है, जी हाँ एम्प्टी है, और तुम देख सकते हो वन थ्री वन टू थ्री था, थ्री टू वन हो चुका है, टॉप पे अब वन पड़ा है। अब यही सेम प्रोसेस दोबारा रिवर्स कर दो, रिजल्ट। अब इस बारी ये सेम प्रोसेस जो आपको करना है वो टेम्प स्टैक पे करना है, करंट इज इक्वल्स टू टेम्प डॉट टॉप, टेम्प डॉट पॉप। और कई लोगों को लग रहा होगा कि यार अगर तुम जावा वगैरह के वर्ल्ड से आ रहे हो ना तो तुम्हें लग रहा होगा सर ये पहले वैल्यू में स्टोर करके फिर पॉप क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुम देख सकते हो C++ में जो स्टैक होती है उसका जो रिटर्न टाइप होता है ना वो वॉइड होता है। तभी मैंने जब तुम्हें पढ़ाया था, जब मैं लेक्चर में लिख रहा था, तो मैंने वॉइड पुश वॉइड पॉप पढ़ा रहा था, इंप्लीमेंट करते टाइम हमने इंट लिख लिया था, इंट पुश सॉरी इंट पॉप कर लिया था, पुश को तो वॉइड ही रखा था, बट जो सी प्लस प्लस की कोर अपनी स्टैक है ना उसका खुद का पॉप वॉइड ही है, तो तुम्हें ज्यादा फाइट करने की जरूरत नहीं है कि क्या रिटर्न करना चाहिए, है ना। और अब यहाँ पे रिजल्ट डॉट पुश ले आओ करंट, दैट्स इट, रिटर्न रिजल्ट, रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे एक स्टैक बना लेते हैं एच टी, ठीक है। और मैं कॉल करता हूँ स्टैक ऑफ इंट रिजल्ट इज इक्वल्स टू कॉपी स्टैक एसटी, ठीक है। अब चलो स्टैक को प्रिंट करना है, हमने अभी तक देखा नहीं था ना कि इस पूरी स्टैक कैसे प्रिंट कर सकते हैं, तो देखो स्टैक कैसे प्रिंट करेंगे, जो भी तुम्हारी स्टैक तुम्हें प्रिंट करनी है ना सबसे पहले उसका टॉप मोस्ट एलिमेंट प्रिंट कर दो, टॉप मोस्ट उड़ा दो, नया टॉप आ जाएगा उसे प्रिंट करो, उसे भी उड़ा दो, फिर नया टॉप आ जाएगा उसे प्रिंट करो उड़ा दो, तब तक करते रहो जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाती। तब तक करो जब तक ठीक लग रहा है। चलो रन करते हैं इस कोड को,
अब देखो इस वाली स्टैक में लास्ट में कौन ऐड हुआ था, फोर। तो जो गिवन स्टैक थी उसमें सबसे ऊपर कौन पड़ा था, फोर। यहां पे सबसे पहले प्रिंट कौन हो रहा है, फोर। फिर कौन था, थ्री। तो थ्री हो रहा है प्रिंट, फिर टू, फिर वन। तो सही ऑर्डर में आपने कॉपी करा है, और बहुत ही आसान था ना, एक स्टैक से उठा के दूसरे में डाल दो, दूसरे से उठा के तीसरे में डाल दो, तुम्हारा रिवर्स का दोबारा रिवर्स हो जाएगा और स्टैक ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगी। अब जो ये सेम काम तुमने करा, इस सेम काम को तुम ना रिकर्सिवली भी कर सकते हो। देखो मैं करके रहा था, मैं एक इनपुट स्टैक है हमारे पास, ये हमारी गिवन स्टैक है। इस गिवन स्टैक को एक टेम्परेरी स्टैक में डाल रहा था ना, इस गिवन स्टैक के एलिमेंट को एक टेम्परेरी स्टैक में डाल रहा था, और फिर उस टेम्परेरी स्टैक को रिजल्ट में डाल रहा। मैं पता है क्या कहता हूँ, ये ओरिजिनल स्टैक, ये टेम्परेरी स्टैक खुद से क्यों बना रहे हो, रिकर्जन अगर तुम लगा लो तो रिकर्जन में तो एक पॉल स्टैक मिलती है, उसका यूज कर सकते हैं क्या, सोचने की बात है ना, वहां तो एक पॉल स्टैक मिलती है, उसका यूज कर सकते हैं। चलो सोचते हैं, मान लो मैंने एक फंक्शन लिखा एफ, उसमें मैंने अपनी ओरिजिनल स्टैक पास कर दी और जो रिजल्ट वाली स्टैक थी पास कर दी, टेम्परेरी बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि वो तो हम रिकर्जन से लाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं पता है क्या कहता हूं, मैं कहता हूं कि अगर स्टैक एम्प्टी हो गया, गिवन स्टैक है वो एम्प्टी हो गया, तब तो रिटर्न कर जाओ, अदरवाइज स्टैक का टॉप निकालो, गिवन स्टैक का टॉप निकालो और पॉप कर लो। ठीक है, तो देखो क्या हो रहा होगा, 1 2 3 4। आप कह रहे हो कि भाई रिकर्जन में जाओ, गिवन स्टैक का टॉप ले आओ, तो फोर था, और फोर को इस वेरिएबल में स्टोर कर लिया और फोर को रिमूव किया। और मैं कहता हूं कि हम रिकर्सिवली अज्यूम कर लेंगे कि बची हुई स्टैक के सारे एलिमेंट्स सही ऑर्डर में रिजल्ट में ऐड हो जाएंगे। अगर बची हुई स्टैक के सारे एलिमेंट सही ऑर्डर में रिजल्ट में ऐड हो जाएंगे, ये मैं अज्यूम कर लूं, तो मेरा काम कुछ बन सकता है क्या? तो लेट से मैंने इसको पॉप करके करंट में स्टोर कर लिया, और मैं ये मान के चल रहा हूं कि यार सही ऑर्डर में 1 2 3 गिवन गिवन स्टैक से रिजल्टेंट एरे में कॉपी हुए हैं, तो मेरा अपना काम क्या होना चाहिए, रिजल्टेंट स्टैक में पुश कर देते हैं करंट को। ये जो करंट था इसको पुश कर देते हैं रिजल्टेंट स्टैक में, एज सिंपल एज दैट। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने पूरा का पूरा रिकर्सिव सॉल्यूशन एग्जैक्टली कैसे लिखा है। तो देखो जब भी मैंने तुम्हें पुराने लेक्चर्स रिकर्शन के पढ़ाए, क्या सिखाया था, कुछ हम लोग अजम्पशन लेंगे, कुछ सेल्फ वर्क लेंगे, कुछ बेस केस लेंगे। आप ये मान के चलो ये जो फंक्शन एफ है पता है क्या करता है, ये एसटी का डेटा रिजल्ट में कॉपी कर देता है। एसटी एक स्टैक है, रिजल्ट एक स्टैक है, स्टैक एसटी स्टैक का डेटा रिजल्टेंट स्टैक में कॉपी कर देता है। मैं यहां लिख देता हूँ है ना, कि मान लो आपने एक फंक्शन लिखा एफ ऑफ एसटी कॉमा रिजल्ट, और ये फंक्शन क्या करता है, कॉपीज द डेटा ऑफ एसटी टू रिजल्ट। ठीक है, ये फंक्शन का ये काम है। मैं कहता हूँ कि अच्छा इस फंक्शन का ये काम है, मेरे को नहीं पता कि पूरा का पूरा डेटा कैसे कॉपी होगा, मुझे नहीं पता कि पूरा का पूरा डेटा कैसे कॉपी होगा। आप एक काम करो, मैं ना करंट एलिमेंट बाहर ले जाता हूँ। करंट एलिमेंट बाहर क्यों ले जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर आपने बचा हुआ डेटा कॉपी कर दिया, ये वाला पार्ट पूरा का पूरा कॉपी कर दिया, जो हमारे पास 1 2 3 है, या मैं कहूँ टॉप पे अभी 3 पड़ा है, ये वाला पार्ट अगर हम लोगों ने सही से कॉपी कर दिया, इसको कॉपी होते ही हम लोग इसमें 4 कर सकते हैं ऐड। तो देखो मैंने क्या करा, करंट में एस टी डॉट टॉप भरा और उसको पॉप कर दिया, तो यहां से रिमूव कर दिया, और मैंने दोबारा एस टी कॉमा रिजल्ट कॉल कर दिया कि यार जो भी अब बचे हुए एलिमेंट्स है ना, आप जाके इनको कॉपी पेस्ट कर दो। तो हम लोग मान के चलेंगे, वी विल अज्यूम कि ये फंक्शन कॉल सही चलेगी, वी विल अज्यूम ये फंक्शन कॉल सही चलेगी। तुम देख रहे हो वहां पे कोई और वेरिएबल नहीं है जो चेंज हो रहा है, क्योंकि स्टैक ऑलरेडी हम लोग कंप्यूट करके भेज रहे हैं, राइट। हम मान के चलेंगे कि ये 1 2 3 सही तरीके से कॉपी हो जाएगा। एक बार 1 2 3 सही तरीके से कॉपी होकर आ गया, उसके बाद तो क्या करना है, हमारे रिजल्टेंट स्टैक में पुश कर दूंगा मैं जो हमारा ये 4 बचा हुआ था, है ना। तो अगर इस चीज को तुम फंक्शन कॉल बाय फंक्शन कॉल देखो ना, तो देखो ऐसे होगा, मैं ये पूरा यहां से कट कर देता हूँ, यहां पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और देखो अब देखते हैं फंक्शन कॉल बाय फंक्शन कॉल कैसे होगा चीज।
है, ड्राई रन टाइप का कर लेते हैं। देखो मैंने सबसे पहले एफ ऑफ एस टी कॉमा रिजल्ट कॉल किया, जब मैंने एफ ऑफ एस टी कॉमा रिजल्ट कॉल किया तो क्या होगा, यहाँ पे मैं कॉल स्टैक बना लेता हूँ। अब ये जो कॉल स्टैक है ना, एक्चुअली ये हमारी टेम्परेरी स्टैक की तरह हेल्प कर रही है अगर तुम ध्यान से देखोगे तो। चलो देखते हैं, मैंने क्या करना था, सबसे पहले एस टी डॉट टॉप को करंट में स्टोर करना है, तो करंट में आ गया 4, और कर दूंगा मैं एस टी डॉट पॉप, पॉप कर दिया, देखो एस टी डॉट पॉप कर दिया। उसके बाद मैं दोबारा कॉल कर दूंगा एफ ऑफ एस टी कॉमा रिजल्ट, दोबारा कॉल कर देते, ठीक है। चलो अब दोबारा से सेम काम होगा, क्या स्टैक एम्प्टी है, नहीं है, तो करंट में 3 स्टोर कर देंगे और एस टी डॉट पॉप कर देंगे, और जैसे हमने पॉप किया दोबारा एफ ऑफ एस टी कॉमा रिजल्ट कॉल कर देंगे, ठीक है। ओके यहाँ पे भी सेम काम होगा, करंट में आप 2 स्टोर कर दोगे और एस टी डॉट पॉप कर दोगे, और उसके बाद क्या कहोगे, जाओ बची हुई स्टैक को कॉपी कर लो, तो आप एफ ऑफ एस टी कॉमा रिजल्ट कॉल करोगे, करंट में आप 1 स्टोर कर दोगे और एस टी डॉट पॉप कर दोगे, और दोबारा कॉल कर दोगे आप एफ ऑफ एस टी कॉमा रिजल्ट। अब यहाँ पे बेस केस हिट हो जाएगा, देखो क्या स्टैक एम्प्टी है, यस गिवन स्टैक एम्प्टी है, ये बेस केस रिटर्न हो गया। अगर अब तुम ध्यान से देखो तो तुम्हारी ये कॉल स्टैक वो टेम्परेरी स्टैक जैसी नहीं लग रही तुम्हें, कि यहाँ पे 1 2 3 4 था, इससे सारा डेटा यहाँ डाल दिया तो ये रिवर्स ऑर्डर में डल गया 4 3 2 1। अब जब हम लोग रिकर्शन से वापस आ रहे हैं तो क्या होगा, रिजल्ट में पुश कर दो करंट, इस वाली फंक्शन कॉल पे करंट पे क्या है 1, रिजल्ट में पुश कर दो 1, दैट्स इट, ये फंक्शन डन। यहाँ पे वापस आए, रिजल्ट में पुश कर दो करंट 2, डन। यहाँ पे वापस आए, रिजल्ट में पुश कर दो 3, डन। यहाँ पे वापस आए, रिजल्ट में पुश कर दो 4, डन, एंड दैट्स इट। देखो सेम ऑर्डर में डेटा कॉपी हो गए, है ना, एज सिंपल एज दैट। सो टेक्निकली जो आइटरेटिव सॉल्यूशन था, आइटरेटिव सॉल्यूशन में तुम क्या कर रहे थे, खुद से एक टेम्परेरी स्टैक बनाते थे। रिकर्सिव सॉल्यूशन में जो तुम्हारी कॉल स्टैक है ना, रिकर्जन की जो कॉल स्टैक है, जो फंक्शंस की कॉल स्टैक है, इसको तुम टेम्परेरी स्टैक बना के अपना सारा काम कर लोगे बहुत ही आसानी से। इसको अगर फोर्ड करना है तो इसको बहुत ही ईजिली हम लोग फोर्ड कर सकते हैं, कॉपी, ये मैं एफ फंक्शन लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सिचुएशन क्या रहेगी कि एक इनपुट स्टैक पास करोगे और आउटपुट स्टैक भी पास करोगे। अगर तुम आउटपुट स्टैक पास नहीं करना चाहते तो ग्लोबल रख सकते हो, आई बिलीव उतना लॉजिक तुम लगा लोगे कि अगर इसको ऐसे रिजल्ट को ऐसे पास नहीं करना तो एक ग्लोबल भी रख सकते हो, क्योंकि वापस आते टाइम भी उसमें एक बार ही चेंज करना है। बेस केस स्टैक अगर भाई एम्प्टी हो गई है तो रिटर्न कर जाओ, वरना करंट में स्टैक डॉट टॉप रिमूव कर दो, एंड रिकर्सिवली जाओ और रिज्यूम करो, रिकर्सिवली जाओ और रिज्यूम करो कि यार अब बची हुई स्टैक का जो डेटा है वो सही तरीके से रिजल्ट में कॉपी हो जाएगा। अगर बची हुई स्टैक का सारा डेटा सही तरीके से कॉपी हो गया है, उसको मैं यहाँ पे जो ये करंट निकाला हुआ है इसको मैं रिजल्ट में पुश कर दूँगा, दैट्स इट, वॉइड है तो कुछ रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक लग रहा है। चलो एक काम करते हैं, आप रिज़ल्ट जो आप यहाँ पे ये बना रहे थे दोबारा से रिज़ल्ट बनाएंगे, इस बार क्या करेंगे एफ फंक्शन में एस टी पास करेंगे और रिजल्ट पास करेंगे, ऊपर एक रिजल्ट बना लेते हैं, एज सिंपल एज दैट, इस पर रेस्ट ही लिख देते हैं, ठीक है। चलो रन करते हैं, देखो सेम आउटपुट आ रहा है 4 3 2 1 आ रहा है, सबसे ऊपर 4 पड़ा है ना, यही थी हमारी स्टैक। देखो लास्ट वन ऐड हुआ था 4, तो सबसे ऊपर पहले भी 4 था, शिफ्ट करने के बाद भी सबसे ऊपर 4 पड़ा है। तो बहुत ही आसानी से हम लोगों ने स्टैक का डेटा दूसरी स्टैक में कॉपी कर लिया है सेम ऑर्डर में, और इस ट्रिक को हम लोगों ने आइटरेटिवली भी सीखा है और रिकर्सिवली भी सीखा है, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है इस प्रॉब्लम के लिए। सो आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइज ऑल्सो टू ट्राई दिस प्रॉब्लम वंस, क्योंकि इसको ट्राई करोगे तो एक्चुअली थोड़ा सा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आएगा स्टैक्स को लेकर। तो चलो यार अब हम लोग ना एक और प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, प्रॉब्लम का नाम है इंसर्ट एट बॉटम। देखो अब ये तुम्हारी स्टैक है, तुमने अभी तक क्या सीखा है, ये जो स्टैक की टॉप होती है ना, इस टॉप पे ही हम लोग एलिमेंट ऐड करते हैं, एलिमेंट को एक्सेस करते हैं, राइट। अब हम क्या चाहते हैं कि हम टॉप पे नहीं,
मान लो मुझे इस बॉटम पे कुछ ऐड करना है तो कैसे करेंगे? कॉम्प्लेक्सिटी का इतना स्ट्रेस नहीं है, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी ऊपर नीचे भी होगी तो चल जाएगा, बट मेन है कि लॉजिक सोचना है। और ना सिर्फ बॉटम, मान लो कभी ऐसा भी केस आए कि कोई कहे कि इसको अगर तुम जीरो इंडेक्स मानो, इसको फर्स्ट इंडेक्स मानो, इसको सेकंड इंडेक्स मानो, तो कहाँ पहुंचेंगे? मतलब तो किसी भी तरफ से तुम इंडेक्सिंग अपनी पकड़ के चल सकते हो, ठीक है, तुम्हारे पास साइज होगा स्टैक का, और तुम्हें मान लो कोई कहे कि सेकंड इंडेक्स पे डालना है तो कैसे इंसर्ट करोगे, राइट? इस चीज के ऊपर तुम्हें सोचने की जरूरत है। तो देखो ये सवाल बहुत आसान है। अगर मान लो कोई मेरे को कहता है इंसर्ट एट बॉटम, तो एक्चुअल में हो क्या जाना चाहिए? एक नया एलिमेंट 10 बॉटम में इंसर्ट हो जाना चाहिए। अब तुम वही, सर आप कह रहे हो बहुत आसान है, कैसे आसान है? अब इसके लिए ना तुम्हें कोई नई टेक्निक या नया कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आखिरी सवाल याद करो, आखिरी सवाल में मैंने तुम्हें क्या बताया था? एक स्टैक से डेटा जब दूसरे स्टैक में जाता है तो वो रिवर्स हो जाता है, और वहीं से डेटा अगर तुम दोबारा किसी स्टैक में डालोगे तो वो ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। यार मैं कहता हूं आपको ना बॉटम पे चीजों को ऐड करना है, आपको इस बॉटम पे चीजों को ऐड करना है। बॉटम का एक्सेस तो होता नहीं है, अब यहां पे दोबारा कोई कहे इंसर्ट एट बॉटम, तो इस बॉटम का एक्सेस तो है नहीं, एक्सेस तो हमेशा टॉप का है। तो अगर बॉटम का एक्सेस नहीं है तो एक सिर्फ एक ही केस में आप बॉटम को एक्सेस कर सकते हो, जब स्टैक में कुछ पड़ा ही ना हो। अगर स्टैक में कुछ होगा ही नहीं तो आप बॉटम एक्सेस नहीं कर पाओगे, सॉरी, तो आप बॉटम को एक्चुअली एक्सेस कर पाओगे क्योंकि वो टॉप है, क्योंकि वो एक्चुअली टॉप है। तो मेरे कहने का मतलब अगर स्टैक में कुछ भी नहीं है तो भाई बॉटम ही टॉप है और टॉप का एक्सेस होता है आपके पास, तो क्यों ना आप एक अनदर स्टैक बना लो, ये सारे एलिमेंट्स इसमें ट्रांसफर कर लो, सारे एलिमेंट्स इसमें ट्रांसफर कर लिए। अब अपना नया एलिमेंट इंसर्ट एट बॉटम कर दो, लेट से कोई एलिमेंट एक्स डालना था, अब आपने नॉर्मली कर दिया स्टैक डॉट पुश, गिवन स्टैक में पुश कर दिया, STA स्टैक, इस स्टैक में आपने पुश कर दिया। तो देखो अब ये एक्स एंड पे आ गए, अब आप वापस से सारा डेटा ले आओ। तो देखो आपने एक स्टैक से दूसरे स्टैक में डाला, डेटा रिवर्स हो गया, अब इस स्टैक से अब वापस डालोगे तो डेटा ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। देखो अब ऐसा लग रहा है ना कि 10 के नीचे आपने एक्स को इंसर्ट कर दिया, तो आप पहले सारा का सारा डेटा एक दूसरी स्टैक में ले जाओ, पहली स्टैक खाली हो जाएगी, जो खाली हो गई है स्टैक उसमें एक एलिमेंट डाल दो चुपचाप और सारा का सारा डेटा वापस ले आओ, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। कंप्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? ऑर्डर ऑफ एन, टाइम भी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ एन, और स्पेस भी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ एन, ठीक लग रहा है? एज सिंपल एज दैट, इतनी ही फाइट करनी है आपको। और ये सेम चीज आप रिकर्सिवली भी कर सकते हो, रिकर्सिवली भी मैंने आपको सिखाया ना कि यार एक स्टैक से दूसरे स्टैक डेटा लेकर जा रहे थे और वापस आते हुए तीसरी स्टैक में डाल रहे थे, तो यहाँ पे जो दूसरी स्टैक थी अगर आप रिकर्जन से करना चाहते हो तो दूसरी स्टैक आप कॉल स्टैक ले सकते हो, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, पहले ना आइटरेटिव सोल्यूशन इंप्लीमेंट कर लेते हैं फिर रिकर्जन के बारे में सोचे। तो मैं एक नई फाइल बनाता हूँ, ठीक है, बेस टेम्पलेट रख लेते हैं स्टैक, ठीक है। स्टैक के इनपुट का डेटा ना मैं यहां से ले आऊंगा, इस पे फाइट करने का मन नहीं कर रहा। चलो अब लिखते हैं बढ़िया फंक्शन, हम लिखेंगे एक फंक्शन void insert at bottom int x, कोई भी स्टैक है उसके बॉटम में इंसर्ट करना है, आप स्टैक पास कर दो, बाय रेफरेंस पास कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करना है, सबसे पहले एक टेम्परेरी स्टैक बनाओ, इस टेम्परेरी स्टैक में अपने ओरिजिनल स्टैक का सारा डेटा ले। सो वाइल नॉट st.empty, हमने पहले भी करा है तो फाइट नहीं है बिल्कुल भी, पहले भी ऐसे डेटा ट्रांसफर करा है हमने, ठीक लग रहा है, ये आ गया हमारा सारा का सारा डेटा टेम्प में आ गया। अब आप कर दो st.push x, x आ गया, एक्स अब बॉटम में इंसर्ट हो गया, दिस इज द पॉइंट जहां पे, दिस इज द पॉइंट वेयर एक्स गॉट इंसर्टेड एट द बॉटम, ठीक है। और
अब क्या होगा, अब सारा का सारा जो टेम्प का डेटा है वो वापस स्टैक में ले, और जब आप वापस ले आ रहे हो तो उसको स्टैक में पुश करते हुए चले जाओ, दैट्स इट। बस इतना करने से आपका काम हो जाएगा। तो देखो अभी यहां पे ये टॉप पे पड़ा है, अब मैं एक काम क्या करूंगा, इंसर्ट एट बॉटम एसटी कॉमा 100, 100 को बॉटम पे इंसर्ट करूंगा, और स्टैक को प्रिंट करने का लॉजिक तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, बस इसी को ले आते हैं, यहाँ पे एसटी कर देते हैं बस, ठीक है स्टैक प्रिंट हो जाएगी। चलो प्रिंट करते हैं, रन करते हैं। देखो सबसे ऊपर क्या पड़ा है, फोर, तो फोर सबसे पहले एक्सेस हो रहा है, लास्ट में कौन एक्सेस हो रहा है, 100, क्योंकि 100 को बॉटम पे इंसर्ट कर दिया गया था। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी सॉल्यूशन की, ऑर्डर ऑफ एन, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ, ठीक लग रहा है। चलो अब देखो सोचने की बात क्या है, इंपॉर्टेंट चीज सोचने की क्या है, ये हमने आइटरेटिवली कर लिया, क्या इसको रिकर्सिवली कर सकते हैं, ठीक है क्या इसको रिकर्सिवली कर सकते हैं देखते हैं। देखो रिकर्सिवली सेम लॉजिक चलेगा जो हमारा कॉपी के लिए हो रहा था, कॉपी में जब आप रिकर्जन में ऊपर जा रहे थे तो आप कॉल स्टैक को अपनी वो टेम्परेरी स्टैक बना लेते थे और रिकर्जन से वापस आते हुए तीसरी स्टैक में डालते थे। मैं कहता हूं आप रिकर्जन में ऊपर जाते टाइम जब आप कॉल लगा रहे हो आप ऐसे ही कॉल स्टैक को अपनी टेम्परेरी स्टैक बनाओ, जब आप बेस केस में पहुंच जाते थे तो ओरिजिनल स्टैक एम्प्टी हो जाती थी तब आप इंसर्ट कर दो बॉटम पे, और वापस आते टाइम ना ओरिजिनल स्टैक में ही डेटा ले, ठीक है ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं। चलो सोचते हैं, मैं कहता हूं एक फंक्शन में लिखता हूं एफ ऑफ एस टी कॉमा एक्स, ये क्या करेगा इंसर्ट एक्स एट बॉटम ऑफ एस टी, ठीक है ये एक्स को क्या करेगा स्टैक के बॉटम पे इंसर्ट करेगा। अब सोचने की बात क्या है, यार हमें तो नहीं पता कि स्टैक के बॉटम पे कैसे इंसर्ट करते हैं, है ना, हमें बस ये पता है किसी भी तरह स्टैक अगर खाली हो गई तो स्टैक के बॉटम पे जा सकते हैं। तो मैं कहता हूं आप स्टैक का टॉप निकाल लो और टॉप रिमूव कर दो, ठीक है उसके बाद आप रिकर्सिवली एक एक करके सारे एलिमेंट्स को रिमूव करते हुए जाओ रिकर्जन में, जब आप बेस केस हिट करोगे जब हमारा स्टैक एम्प्टी हो जाएगा तो स्टैक में हम लोग पुश कर देंगे एक्स और रिटर्न मार देंगे, अदरवाइज जैसे आप बेस केस से वापस आ रहे हो या किसी भी रिकर्सिव कॉल से वापस आ रहे हो आप दोबारा जो आपने स्टैक में से एलिमेंट निकाला था उस करंट एलिमेंट को दोबारा पुश कर दो, ये हमारा एल्गोरिदम बन जाएगा, ठीक है। अब एक्चुअली ये चल कैसे रहा है सोचते हैं, देखो अब एक ही स्टैक है क्योंकि दूसरी स्टैक तो कॉल स्टैक है, यहां बनाते हैं कॉल स्टैक 1 2 3 4, ठीक है चलो मैंने कॉल किया एफ ऑफ एस टी कॉमा एक्स, ठीक लग रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे एक करंट वेरिएबल बनाएंगे, करंट में डालेंगे स्टैक का टॉप, स्टैक का टॉप क्या है 4, और इसको पॉप कर देंगे और कॉल करेंगे एफ ऑफ एस टी कॉमा एक्स, फिर उसके बाद एक करंट वेरिएबल बनाएंगे स्टैक का टॉप 3 और कर देंगे पॉप, फिर एक वेरिएबल बनाएंगे एस टी कॉमा एक्स करंट वेरिएबल स्टैक का टॉप 2 और पॉप कर देंगे, एफ ऑफ एस टी कॉमा एक्स स्टैक का टॉप स्टोर करेंगे करंट में पॉप कर देंगे। जैसे आप एक और कॉल लगाओगे एफ ऑफ एस टी कॉमा एक्स की, क्या स्टैक एम्प्टी है, जी हाँ एम्प्टी है, अब यहां पे आप एक्स ऐड कर दो, तो मान लो एक्स था 100, 100 ऐड कर दिया और रिटर्न कर जाओ, रिटर्न कर गए, जैसे ही रिटर्न करे वापस आ गए यहां पे, इस वाली फंक्शन कॉल में आपने 1 रिमूव किया था 1 ऐड कर देंगे एस टी डॉट पुश 1, इस वाली कॉल में आपने 2 रिमूव किया था 2 ऐड कर देंगे एस टी डॉट पुश 2, इस वाली कॉल में 3 पुश कर देंगे, इस वाली कॉल में 4 पुश कर देंगे। तो देखो 4 सबसे ऊपर था, अभी भी 4 सबसे ऊपर है लेकिन 100 सबसे नीचे, एज सिंपल एज दैट। इतने ऐसा करने से
आप इंसर्ट एट बॉटम कर पाओगे। ठीक है, चलो रिकर्सिव कोड लिख लेते हैं एक बारी फटाफट। मैं क्या करूंगा, एक वॉइड एफ लिखूंगा, ठीक है। ये ध्यान रखना कि स्टैक को बाय रेफरेंस पास करना, वरना ओरिजिनल स्टैक पास नहीं होगी, कॉपी बनाते रह जाओगे, वापस जब कॉल में आओगे तो तुम्हें सेम स्टैक्स मिलेंगे नहीं। अगर स्टैक एम्प्टी है तो स्टैक में उस टाइम एक्स डालो, क्योंकि अगर स्टैक एम्प्टी है तो बॉटम ही टॉप और रिटर्न कर दो, अदरवाइज टॉप मोस्ट एलिमेंट को निकाल लो। रिकर्सिवली जाके और टॉप मोस्ट एलिमेंट को निकाल के कॉल स्टैक में स्टोर करते रहो। जब कॉल से वापस आ गए हो तो जो भी एलिमेंट निकाला था उसको वापस पुश कर दो, दैट्स इट। देखो अब मैं कॉल करूंगा एफ ऑफ एस टी कॉमा 100, सेम फंक्शन कॉल करूंगा, देखो सेम आउटपुट आ रहा है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। टाइम और स्पेस कम्प्लेक्सिटी एग्जैक्टली सेम रहेंगे, क्योंकि एन एलिमेंट्स हैं, एन एलिमेंट्स पे तुम जा रहे हो, स्पेस भी ले रहे हो रिकर्जन का, तो ये हो गई टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन, स्पेस कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर। तो आई होप ये लॉजिक सब लोगों को क्लियर है कि कैसे आप किसी एलिमेंट को स्टैक के बॉटम पे इंसर्ट कर सकते हो। तो चलो अब हम लोगों ने इंसर्ट एट बॉटम समझ लिया, अब हम लोग ट्राई करते हैं कि यार कैसे हम किसी भी इंडेक्स पे ऐड कर सकते हैं। मान लो अगर आप स्टैक के इस एलिमेंट को जीरो इंडेक्स कहते हो, मतलब बॉटम को जीरो इंडेक्स कहते हो, इसको फर्स्ट कहते हो, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, और मान लो आपको कोई कहता है कि फर्स्ट इंडेक्स पे कोई एलिमेंट ऐड करना है, ठीक है। तो टोटल अभी स्टैक का साइज क्या है, 5 है। अगर आपको फर्स्ट इंडेक्स पे ऐड करना है, बॉटम पे ऐड नहीं करना है, फर्स्ट इंडेक्स पे ऐड करना है, तो मतलब कुछ ऐसा हो जाना चाहिए कि ये सारे एलिमेंट्स ऊपर खिसक जाने चाहिए और यहां पे कोई एलिमेंट एक्स आ जाना चाहिए। तो देखो अप्रोच सेम रहेगी जो इंसर्ट एट बॉटम की थी। इंसर्ट एट बॉटम इज समथिंग लाइक कि आप जीरो इंडेक्स पे ऐड करना चाहते हो, तो अपने सारे एलिमेंट्स निकाल के टेम्परेरी स्टैक में डाले और फिर एलिमेंट को ऐड किया और फिर सारे एलिमेंट्स टेम्परेरी स्टैक से बाहर लाए। अब यहां पे अगर मान लो आपको फर्स्ट इंडेक्स पे ऐड करना है तो आपको सारे एलिमेंट्स नहीं बाहर लाने, आपको साइज माइनस आईडीएक्स, जिस इंडेक्स पे ऐड करना है वो और जो स्टैक का करंट साइज है, इतने एलिमेंट्स को आपको बाहर लाने की एक्चुअल जरूरत है, ठीक है। तो मान लो अभी स्टैक का साइज क्या है, 5, आपको फर्स्ट इंडेक्स पे लाना था तो आपको टेक्निकली 5 - 1 4 एलिमेंट्स को पॉप आउट करना है। तो चलो 4 इधर डाला, 3, 2, 1 4 एलिमेंट्स आपके टेम्परेरी स्टैक में आ गए। अब आप अपना एक्स एलिमेंट डाल दो, जैसे आपने एक्स एलिमेंट डाला वापस ले आओ, एज सिंपल एज दैट। तो इस बारी बस चेंज कोड में इतना आएगा कि डिलीशन आपको सबका नहीं करना, आपको एन माइनस आई एलिमेंट्स पॉप करके टेम्परेरी स्टैक में रिजर्व करना है, उसके बाद अपनी स्टैक में ऐड करना एलिमेंट, क्योंकि जो इंडेक्स खाली होगा टॉप मोस्ट इंडेक्स वो अब आपका रिक्वायर्ड इंडेक्स होगा और फिर बाकी सारे एलिमेंट्स को ले। ठीक है, तो दोबारा बेस टेम्पलेट ले आते हैं। देखो मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन लिखूंगा void insert at, एक स्टैक पास करूंगा, एक एलिमेंट पास करूंगा एक्स, ठीक है। चलो मैं क्या कहूंगा, एक टेम्परेरी स्टैक बना लेते हैं, एक इंडेक्स भी मिलेगा आपको कि कौन से इंडेक्स पे एक्चुअली स्टोर करना है, और मैं कहता हूं आप सारे एलिमेंट्स बंद निकालो, आप एक काउंट मेंटेन करो, व्हाइल काउंट इज लेस देन एसटी डॉट साइज। तो पहले स्टैक का साइज निकाल के रख लेते हैं, क्योंकि पहले स्टैक का साइज निकाल के रखना क्यों जरूरी है, क्योंकि हर बार जब आप एलिमेंट को पॉप कर दोगे तो स्टैक का साइज ना अपडेट हो जाएगा, तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो व्हाइल काउंट इज लेस देन एन माइनस आईडीएक्स, हर आइट्रेशन में काउंट प्लस प्लस, और हमें क्या करना है, इंट करेंट इज इक्वल्स टू एसटी डॉट टॉप एसटी डॉट पॉप, और टेम्प में पुश कर देंगे, ठीक है। एक बार ये हो गया, फिर क्या करेंगे, स्टैक में पुश कर देंगे एक्स, और फिर तो वही सेम लूप है कि आप जब तक टेम्परेरी एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक टेम्परेरी के सारे एलिमेंट्स लाने हैं, क्योंकि अब सारे एलिमेंट्स को वापस स्टैक में लाना है,
ये कोड तो मैं पुराने कोड से कॉपी पेस्ट कर लूंगा, दैट्स इट। ठीक है चलो, इनपुट का कोड भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, पूरे कर लेते हैं। ठीक है अब यहाँ पे इंसर्ट ऐड कर देते हैं, मान लो मुझे 100 ऐड करना है फर्स्ट इंडेक्स पर। ठीक है रन करते हैं, तो देखो क्या हो रहा है, ये 0th इंडेक्स पे, फर्स्ट इंडेक्स पे 100 है, और अब सेकंड इंडेक्स पे 2 है, थर्ड इंडेक्स पे 3 है, फोर्थ इंडेक्स पे 4। तो बहुत ही आसान लॉजिक है, देखो ज्यादा फाइट करने की जरूरत नहीं। अगर ये बात नहीं दिमाग में आ रही है तो एक बारी खुद से इसको विजुलाइज करने की कोशिश करो, बहुत ही आसान चीज है यार। मतलब सारे एलिमेंट्स निकालते हैं तो 0th इंडेक्स का एक्सेस मिल जाएगा और वहां पे बॉटम में पुश कर देते हैं। अगर मैं सिर्फ 4 एलिमेंट्स को निकालू, 5 से टोटल 4 ही एलिमेंट को निकालू, तो बॉटम मोस्ट एलिमेंट पड़ा होगा और उसके ऊपर डालने का मौका मिल जाएगा, मतलब फर्स्ट इंडेक्स का एक्सेस मिल जाएगा। तो अगर तुम्हें कोई भी आईडीएक्स गिवन है और ओरिजिनल स्टैक का साइज एन है, तो तुम एन माइनस आईडीएक्स एलिमेंट्स निकाल लो, यू आर गुड टू गो। और मैंने आइटरेटिवली ये क्वेश्चन सबमिट कर दिया है। अब मैं तुम्हें ये होमवर्क देना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को तुम रिकर्सिवली भी कोड करने की कोशिश करो, कि रिकर्सिवली इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है कूल है। अब इसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन है यार, अब बॉटम से ना रिमूव करना है, बॉटम से रिमूव करना है। अब तुम मुझे बताओ कि इसमें कोई फाइट है क्या, बॉटम से रिमूव करना कोई फाइट है? बॉटम पे अगर ऐड कर लिया तो बताओ रिमूव करने में क्या फाइट है? तुम्हें बस बॉटम मोस्ट एलिमेंट डिटेक्ट करना है। बॉटम मोस्ट एलिमेंट कौन सा होता है? विच एलिमेंट इज द बॉटम मोस्ट, ये कैसे डिटेक्ट करेंगे हम लोग? क्या मैं कह सकता हूं अगर मैं एक एक करके एलिमेंट्स को कहीं सेपरेटली स्टोर कर रहा हूं, और ऐसा मोमेंट आ जाए जब स्टैक का साइज 1 हो जाए, जैसे ही स्टैक का साइज 1 हो जाएगा ना, मतलब एक ही एलिमेंट पड़ा है, और जब एक ही एलिमेंट पड़ा है वही एलिमेंट बॉटम पे है, उसको कहीं स्टोर मत करो, उसको ऐसे का ऐसे रिमूव कर दो और ये सारे एलिमेंट्स को वापस ले। और अब ये टेम्परेरली कहीं पे स्टोर करना और वापस लाने का मैकेनिज्म तो तुम्हें पता है, तुम क्या कर सकते हो, एक टेम्परेरी स्टैक बना सकते हो। तो चलो एक टेम्परेरी स्टैक बना लेते हैं, 5 हटाया, 5 इसमें डाला, क्या स्टैक का साइज 1 है? नहीं। 4 हटाया, 4 इसमें डाला, क्या स्टैक का साइज 1 है? नहीं। 3 हटाया, 3 इसमें डाला, क्या स्टैक का साइज 1 है? नहीं। 2 इसमें डाला, क्या स्टैक का साइज 1 है? नहीं। अब यहाँ पे स्टैक का साइज 1 है, जी हाँ स्टैक का साइज 1 है, 1 को सीधा रिमूव कर देंगे, कहीं डालेंगे नहीं, और आप टेम्परेरी स्टैक में से सब कुछ वापस ले, एज सिंपल एज दैट, सिंपल राइट। अब इसी कोड में, यही जो कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन मैंने यहां पे लिखी है, अब यहाँ पे एन माइनस आई डी एक्स टाइम करने की जगह आप तब तक करो जब तक स्टैक का साइज 1 नहीं हो जाता। जैसे ही स्टैक का साइज 1 हो जाता है आप सेपरेटली पॉप आउट कर दो, दैट्स इट। तो ये वाला कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन भी आप करोगे, और इनफैक्ट इसका रिकर्सिव सॉल्यूशन भी लिखने की कोशिश करोगे। अब रिकर्जन में यहाँ पे पहले बेस केस क्या होता था, जब बॉटम पे इंसर्ट करना होता था बेस केस क्या होता था, जब स्टैक खाली हो गई तो बॉटम का एक्सेस आ गया है। अब बेस केस क्या होगा, अगर स्टैक का साइज 1 हो गया तो बॉटम का एक्सेस आ गया है, रिमूव कर दो और रिटर्न कर दो, उसको कहीं स्टोर करने की जरूरत नहीं है। और वापस आते टाइम स्टैक में तुम्हारे कॉल स्टैक में ऑलरेडी डेटा टेम्परेरली स्टोर्ड है, कॉल स्टैक से डेटा वापस लाते। तो इतना काम करने से बहुत ही आसानी से आप एक्चुअल में रिमूव कर पाओगे, ठीक है, डेटा को। चलो तो ये सवाल कर लोगे राइट। एंड इनफैक्ट अगर तुम चाहते हो तो मैं इसका हल्का सा रिकर्सिव सॉल्यूशन लिख देता हूँ। चलो ठीक है, मैं पूरा का पूरा कोड कॉपी करूंगा, यहां से पेस्ट करूंगा। अब कोई इंसर्ट तो करना नहीं है किसी इंडेक्स पे, तो इसको हटा देते हैं, रिमूव एट बॉटम। अब यहां पे तब तक करेंगे टिल द टाइम एस टी डॉट साइज इज नॉट इक्वल टू 1, जब तक स्टैक का साइज 1 नहीं हो जाता तब तक करेंगे। जैसे ही स्टैक का साइज 1 हो जाएगा हम स्टैक में से बस पॉप कर देंगे और फिर डेटा को वापस लेंगे, दैट्स इट। अब यहाँ पे बॉटम पे कौन पड़ा है, 1 पड़ा है ना, ये फंक्शन चलने के बाद 1 रिमूव हो जाना चाहिए। देखो 1 रिमूव हो गया। अब इस चीज को रिकर्सिवली अचीव करना है ना, तो void f
अगर किसी भी पॉइंट पे, अगर तुम्हारे पास किसी भी पॉइंट पे स्टैक का साइज 1 हो जाता है, ठीक है, तो यहां पे बेस केस है, रिटर्न कर जाएंगे। रिटर्न करने से पहले इस एलिमेंट को रिमूव कर देंगे, अदरवाइज एलिमेंट को रिमूव करेंगे और उसको स्टोर करके रखेंगे, क्योंकि वापस आते टाइम उसको ऐड करना पड़ सकता है। देखो, तो मान के चलेंगे एफ ऑफ एस टी बची हुई पूरी के पूरे एलिमेंट्स में से बॉटम मोस्ट एलिमेंट हटा देगा। जैसे ही बॉटम मोस्ट एलिमेंट हटा, हम दोबारा से जो पुराना टॉप था उसको ऐड कर देंगे। दैट्स इट। चलो एफ फंक्शन चलाते हैं, देखो सेम आंसर आ रहा है। तो बहुत ही आसान है रिमूव एट बॉटम भी कोड करना, है ना। और अगर कोई रिमूव एट इंडेक्स कहता है तो अब सारे एलिमेंट्स को रिमूव करने की जरूरत नहीं है। मान लो आपको कोई कहता है कि फर्स्ट इंडेक्स पे कुछ रिमूव करना है ना, तो आप क्या करो, फर्स्ट इंडेक्स पे जब ऐड करना होता था तो एन माइनस इंडेक्स टाइम पॉप आउट करते थे। अब आप क्या करो, एन माइनस इंडेक्स माइनस वन टाइम्स पॉप आउट करो। फॉर एग्जाम्पल ये एलिमेंट रिमूव करना है तो आप 4 माइनस 1 माइनस 1, दैट इज 2 बार पॉप आउट करो। तो 5 यहां स्टोर्ड 4 यहां स्टोर्ड। जैसे आप एन माइनस आईडीएक्स माइनस 1 टाइम्स पॉप आउट करोगे ना, टॉप मोस्ट एलिमेंट वही एलिमेंट होगा जिसको आपको रिमूव करना है। इसको सेपरेटली रिमूव कर दो और अब यहां से सारा एलिमेंट वापस ले। दैट्स इट, ठीक है। तो जैसे हमने इंसर्ट एट एनी इंडेक्स करा उसका कोड आप लिखोगे, ऐसे ही रिमूव एट एनी इंडेक्स का कोड भी आप लिखोगे। काफी आसान रहने वाला है, थोड़ा टेक अवे एक्सरसाइज भी होनी चाहिए आपके लिए, ताकि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ एक्चुअली आप खुद से हैंड्स ऑन कर पाओ, पॉडकास्ट की तरह खाली सुनते ना रहो, है ना। तो ये एक और सवाल हम लोगों ने कर लिया। इसके बाद हम लोग एक और काफी इंटरेस्टिंग सवाल करने वाले, सो लेट्स हॉप ऑन टू दैट एंड लेट्स सी व्हाट दैट क्वेश्चन हैज टू ऑफर। तो चलो यार, अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिवर्स स्टैक क्या कहता है सवाल? आपको एक स्टैक गिवन होगी, सॉरी, आपको यहां ऐसे एक स्टैक गिवन होगी। आपको ये जो एलिमेंट्स है ना स्टैक के, ये एलिमेंट रिवर्स करने हैं सेम स्टैक में। मतलब अगर मान लो ये एसटी आपके ओरिजिनल स्टैक थी, ये कुछ एक्स एड्रेस मेमोरी एड्रेस पे बनी थी, तो यही सेम स्टैक में डेटा पूरा रिवर्स हो जाना चाहिए। मतलब डेटा कुछ ऐसा हो जाना चाहिए, 5 4 3 2 1, ऐसा कुछ हो जाना चाहिए, पूरा डेटा रिवर्स हो जाना चाहिए, ठीक है। अब एक अप्रोच तुम्हारे दिमाग में क्या आ रही होगी, सर आपने तो पहले बताया था अगर मैं एक स्टैक का डेटा दूसरे स्टैक में डाल दूंगा तो डेटा रिवर्स हो जाएगा। मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल हो सकता है। आप अगर एक टेम्परेरी स्टैक बनाओ और एक स्टैक का डेटा दूसरे स्टैक में डालो, एक स्टैक का डेटा दूसरे स्टैक में, अगेन अगेन अगेन, तो ये डेटा रिवर्स हो गया। बट इसमें प्रॉब्लम है, आपने जो डेटा रिवर्स किया ना एक न्यू स्टैक में किया है, आपको ओरिजिनल स्टैक में ही डेटा रिवर्स करना है। ओके, तुम क्या ये चैलेंजिंग होने वाला है? अब देखो, अब यहां पे डेटा रिवर्स हो गया, अगर तुम इसको सीधा यहां पे वापस ले आओगे ना तो ये फिर ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। देखो ये फिर 1 2 3 4 5 बन जाएगा, रिवर्स नहीं हो। लेकिन हमें पता है कि एक बार स्टैक में डाला रिवर्स हो जाएगा, दोबारा किसी स्टैक में डालेंगे वो ओरिजिनल हो जाएगा, फिर किसी में डालेंगे वो रिवर्स हो जाएगा। तो एक काम करो, एक और स्टैक ले लो, टेम्परेरी स्टैक 2। अब आप टेम्परेरी स्टैक 1 में से टेम्परेरी स्टैक 2 में डाल दो, तो अगर तुम टेम्परेरी स्टैक 2 में देखोगे तो जो डेटा का ऑर्डरिंग ओरिजिनल स्टैक में था ये वैसा आ गया है। देखो सेम टू सेम ऑर्डरिंग है। और अगर अब मैं इस टेम्परेरी स्टैक 2 से ओरिजिनल स्टैक में डेटा डाल दूं तो सही लग रहा है ना? अब यहां पे ओरिजिनल स्टैक में डेटा रिवर्स हो गया, तो टेक्निकली दो स्टैक्स का यूज करके आप डेटा को एक्चुअल में रिवर्स कर सकते हो। ठीक लग रहा है? ओके, अब तुम्हें लगेगा अच्छा ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ एन, ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ एन। कैसे ऑर्डर ऑफ एन? आपने दो स्टैक लिए हैं तो एन प्लस एन 2n, 2n हो जाएगा ऑर्डर ऑफ एन। और सेम चीज यहां पे, पहले इन सारे एलिमेंट्स को यहां पुश किया था एन, फिर यहां पुश किया एन, फिर वापस यहां पुश किया एन, तो 3n हो जाएगी एक्चुअल नंबर ऑफ आइट्रेशंस, जो कि अप्रोक्सीमेटली क्या है, ऑर्डर ऑफ एन। सो टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा यहां पे ऑर्डर ऑफ एन। अब सोचने की बात है, आपने आइट्रेटिवली तो इंप्लीमेंट कर लिया, क्या इसको हम लोग रिकर्सिवली इंप्लीमेंट कर सकते हैं?
यार, रिकर्सिवली इंप्लीमेंट करना कोई फाइट नहीं है। मैं तुम कहोगे क्यों? मैं कहता हूं आप लोगों ने एक इंसर्ट एट बॉटम का तो फंक्शन पढ़ा था, है ना? किसी भी एलिमेंट को आप बॉटम पे इंसर्ट कर पाते थे। सही बात लग रही है? ठीक है, तो मैं कहता हूं मान लो आपके पास ये टेम्परेरी स्टैक में ये डेटा आ जाए, ऐसे 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, ये टेम्परेरी स्टैक में डेटा आ जाए। ठीक है, अब 5 सबसे नीचे था, 5 सबसे ऊपर आ गया, टेम्परेरी स्टैक में डेटा आ गया। अब आप यहां पे क्या करोगे? अब आप इसको वापस लाओगे तो ये तो ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। आप वापस सीधा पुश मत करो, आप वापस करो इंसर्ट एट बॉटम, यहां से एलिमेंट उठाओ इंसर्ट एट बॉटम, अभी तो बॉटम पे ही है, यहां से एलिमेंट उठाओ इंसर्ट एट बॉटम। अब इंसर्ट एट बॉटम के लिए इंटरनली वो एक और स्टैक लेता है, तो एक और स्टैक लेके 4 को ऐसे इंसर्ट एट बॉटम कर देता है, फिर 3 को इंसर्ट एट बॉटम के लिए ऐसा कुछ, फिर 2 को इंसर्ट एट बॉटम ऐसा कुछ, और फिर 1 का इंसर्ट एट बॉटम ऐसा कुछ। तो तुम देख पा रहे हो रिवर्स ऑर्डर में ही सब कुछ पेस्ट हो गया है, और टेक्निकली जब तुम इंसर्ट एट बॉटम कर रहे हो तो वो एक स्टैक और ले रहा है, जो कि हम लोगों ने पिछले अप्रोच में भी देखा, हम 2 स्टैक्स और ले रहे थे, यहां पे भी वो एक और स्टैक ले रहा है, एक आपका टेम्परेरी स्टैक और ये इंसर्ट एट बॉटम की स्टैक। अब तुम कहोगे इसमें रिकर्जन का एंगल क्या है? रिकर्जन का एंगल यही है कि आप ये जो टेम्परेरी स्टैक है ना, इसको अपनी कॉल स्टैक से ही रिप्लेस कर दो, जो आपकी रिकर्जन की कॉल स्टैक है वही यूज कर लो ना, और वो यूज करनी मैंने आपको सिखाई है। मान लो आपका डेटा ऐसा है, मैंने आपको यूज करना सिखाया है ना, आप इस करंट वेरिएबल को ऐसा कर लो एफ ऑफ स्टैक, इस करंट वेरिएबल में स्टैक का टॉप स्टोर कर लो और उसको रिमूव कर दो। इससे क्या होगा, आपने टेक्निकली यहां पे इसको सेव कर लिया है, मैं कहूं यहां पे पुश कर लिया है, और दोबारा रिकर्सिवली कॉल कर दो एफ ऑफ स्टैक, अब यहां पे दोबारा करंट वेरिएबल बनाओ, स्टैक का टॉप क्या है 4, और यहां से पॉप आउट कर दो। देखो 4 को स्टोर कर लिया, देखो उल्टे ऑर्डर में स्टोर कर पा रहे हो, सबसे नीचे 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, सबसे उल्टे ऑर्डर में स्टोर हो रहा है। दोबारा बनाओ करंट इज इक्वल्स टू 3 स्टैक डॉट पॉप, करंट इज इक्वल्स टू 2 स्टैक डॉट पॉप, और करंट इज इक्वल्स टू 1 स्टैक डॉट पॉप, एज सिंपल एज दैट। और एक बार ही आपके रिकर्जन में ये सारे एलिमेंट्स आ गए हैं, स्टैक एम्प्टी है बेस केस। अब जब आप वापस आ रहे हो ना, तो आप सीधा स्टैक डॉट पुश मत करो, क्योंकि सीधा स्टैक डॉट पुश करोगे तो 1 दोबारा लास्ट चला जाएगा। आप स्टैक डॉट पुश की जगह इंसर्ट एट बॉटम कर दो, इंसर्ट एट बॉटम रिकर्सिव लिखा है, इटरेटिव लिखा है, कुछ भी लिखा है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ये करोगे इंसर्ट एट बॉटम, फिर यहां पे भी आप करोगे क्या इंसर्ट एट बॉटम, फिर यहां पे भी आप क्या करोगे इंसर्ट एट बॉटम, एंड सो। ठीक लग रहा है? एज सिंपल एज दैट। तो देखे वो कॉपी स्टैक से हम लोगों ने ट्रिक निकाली है कि कॉल स्टैक को कैसे टेम्परेरी स्टैक की तरह यूज कर सकते हैं, और देखो कितनी सारी प्रॉब्लम्स में हमने उसको यूज कर लिया। अब इससे पहले मैं इसको कोड करूं, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? अब यहां पे क्या है, आप एक एक करके पहले पूरी टेम्परेरी स्टैक में गए, ऑर्डर ऑफ एन लगाया, जब आप वापस आ रहे हो ना, यहां पे थोड़ा खेल हो गया। अब जैसे मान लो 4 को इंसर्ट करना है, 4 को इंसर्ट करने के लिए आप ये सारे एलिमेंट्स कहीं पे स्टोर करोगे, फिर 4 डालोगे और फिर ये सारे एलिमेंट्स निकालोगे। सो अप्रोक्सीमेटली हर एलिमेंट के लिए आप n एलिमेंट्स ट्रैवल कर रहे हो, हर एलिमेंट के लिए n, मतलब अगर देखा जाए 1 के लिए आपको एक आइट्रेशन करनी पड़ेगी, ठीक है, 2 के लिए आपको 2 आइट्रेशन करनी पड़ेगी, एक आइट्रेशन में यहां आएगा, 2 डालोगे यहां और ये वापस, तो आपको 2 आइट्रेशन करनी पड़ेगी, 1 को इधर से इधर लाना पड़ा, फिर 3 के लिए इन दोनों को यहां लाना पड़ेगा, 3 यहां और फिर इन दोनों को यहां, 4 के लिए इन तीनों को यहां कहीं सेव करना पड़ेगा, 4 को यहां इनको यहां, ये सब हो गया। सेम चीज 5 के लिए, तो क्या मैं कह सकता हूं एक एलिमेंट के लिए ऑलमोस्ट पूरी स्टैक खाली करके कहीं बैकअप करते हो, फिर उस एलिमेंट को डालते हो और फिर पूरी स्टैक वापस लाते हो,
तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ऑर्डर ऑफ एन। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर कैसे, मान लो अगर आपके पास अप्रोक्सीमेटली कुछ एन एलिमेंट्स थे और स्टैक में, और एक और एलिमेंट आया, उसके लिए आपको एन एलिमेंट्स पॉप आउट करने पड़े और फिर एन एलिमेंट्स पुश करने पड़े, तो एक एलिमेंट के लिए टू एन काम हुआ। अगर एक एलिमेंट के लिए टू एन काम हो रहा है तो ऐसे एन एलिमेंट्स थे, टू एन इंटू टू एन ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, एज सिंपल एज दैट। तो रिकर्जन से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ना थोड़ी जाएगी बढ़, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो कोड लिखने की कोशिश करते हैं। देखो आइटरेटिव कोड तो क्या है, लड्डू टाइप है, रिवर्स है कि नहीं, आइटरेटिव कोड लड्डू टाइप, कुछ नहीं करना, दो स्टैक बना लो, एक स्टैक बना लो टी वन, एक बना लो टी टू, ठीक है। चलो पहले क्या करो, स्टैक से सारा सामान ले आओ, ओरिजिनल स्टैक से सारा का सारा डेटा टी वन में डाल दो, ठीक है। सारा का सारा सामान एस टी से टी वन ले आए, अभी सेम लूप कॉपी करके सारा का सारा सामान टी वन से टी टू ले, एक बार सारा सामान आप टी वन से टी टू ले गए, अब ये सारा का सारा सामान टी टू से वापस ले आओ स्टैक में, एज सिंपल एज दैट। चलो बनाते हैं, पूरा कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, फंक्शन का नाम है रिवर्स। चलो देखते हैं, अभी टॉप पे फोर पड़ा है, रन करते हैं। देखो वन सबसे पहले एक्सेस हुआ है, टॉप पे वन पड़ा है, रिवर्स होने के बाद रिवर्स हो गई है स्टैक। और अगर रिकर्सिवली इंप्लीमेंट करना है तो रिकर्सिवली इंप्लीमेंट करने के लिए मैं अपना ना इंसर्ट एट बॉटम का फंक्शन ले आता हूँ, कोई भी ला सकते हो, आइटरेटिव ला सकते हो, रिकर्सिव ला सकते हो, मैं आइटरेटिव वाला ले आता हूँ, कुछ भी ला सकते हो। और मैं लिखता हूँ एक फंक्शन void f, ये हमारा रिवर्स करेगा, ठीक है। अगर स्टैक एम्प्टी हो गई है तो कुछ कर ही नहीं सकते, है ना। और अगर स्टैक एम्प्टी नहीं हुई है तो कॉल स्टैक में अपने एलिमेंट को बैकअप करते हुए चलो, तब तक बैकअप करो जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता। जैसे ही स्टैक एम्प्टी हो गई है, वापस आते टाइम इसी स्टैक में करंट को इंसर्ट एट बॉटम करो, तो सेम चीज मैंने कही है, रन करते हैं, सेम आउटपुट आ रहा है, सिंपल एज दैट, राइट। तो देखो कितने आसानी से तुम रिवर्स कर पा रहे हो, तो वही सेम कॉपी वाली अप्रोच हमने ढंग से डिस्कस करी और उससे देखो कितने सारे क्वेश्चन बना लिए, इंसर्ट एट बॉटम बना लिया, इंसर्ट एट बना लिया, रिमूव एट बॉटम, रिमूव एट, रिवर्स, आइटरेटिव, रिकर्सिव, इन सबके आइटरेटिव रिकर्सिव वर्जन सारे बन गए, कितने आसान तरीके से। ऐसे ही होता है देखो प्रॉब्लम सॉल्विंग में, हर क्वेश्चन एक नया क्वेश्चन नहीं होता है, तुम्हें बस ये देखना होता है कि एक्चुअली कोई पुराने करे हुए क्वेश्चन से क्या मैं नए क्वेश्चन को मैप कर पा रहा हूं। एक बार तुमने ये स्किल सीख लिया ना कि यार अच्छा हर क्वेश्चन नया नहीं है, डेफिनेटली न्यू क्वेश्चन होंगे बट बहुत सारे क्वेश्चन ना एक क्वेश्चन के ऊपर बन जाते हैं, जैसे वो मैथ की एक्सरसाइज में होते थे, एक्सरसाइज 10.1 में जो एग्जाम्पल्स होते ना उस एग्जाम्पल के 20 क्वेश्चन होते, लाइक दैट। तो हमेशा ऐसा नहीं है हर क्वेश्चन नए क्वेश्चन की तरह, ऐसे रटने की जरूरत नहीं है, समझ के करोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा। और यही एक अच्छे इंजीनियर से एक्सपेक्टेशन भी होती है कि यार तुम एक बढ़िया इंजीनियर बनो, कि तुम प्रॉब्लम एक बार ही सॉल्व करिए उसको रीयूज कर पाओ, यही तो बात है ना। दैट बीइंग सेड, आई होप कि ये लेक्चर स्टैक्स का आपको पसंद आया होगा, काफी प्रॉब्लम्स करी हमने, स्टैक को इंप्लीमेंट किया, यूज केस देखा। वी आर गोना मीट सून इन द नेक्स्ट सेट ऑफ लेक्चर, जहां पे हम लोग थोड़ी और प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे कुछ और डेटा स्ट्रक्चर्स के साथ। टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय। इफ यू हैव नॉट येट subscribe to the channel of College Wala, do consider subscribing it. We are going to meet soon in the next set of lectures and keep putting guys. Thank you so much.
आई एम संकेत सिंह साइनिंग ऑफ.